Hey guys, this is CA Monish Vora, your educator for CA Intermediate Financial Management and Economics for Finance. दोस्तों आज हमारे इस वीडियो में हम करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर नंबर 5 का कॉन्सेप्चुअल रिवीजन। चैप्टर 5 का नाम है दोस्तों कैपिटल स्ट्रक्चर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड आपने ये चैप्टर कहीं से भी पढ़ा हो आप इस वीडियो से बहुत जबरदस्त तरीके से इस चैप्टर का रिवीजन कर सकते हैं। आगे जाके हम जो है इसके कंपाइलर सीरीज क्वेश्चंस की सीरीज भी लेके आएंगे आपके लिए। सो धैर्य रखें, सारी चीजें आएंगी, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आइए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो बात करते हैं FM चैप्टर 5 जिसका नाम क्या है बोलिए, तो जिसका नाम है बेटा कैपिटल स्ट्रक्चर। देखेंगे तो बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, है ना। तो हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में कि समझो मुझे मेरे बिजनेस में टोटल 10 लाख रुपए की जरूरत है। अब ये 10 लाख रुपए मैं कहाँ कहाँ से रेज कर सकता हूँ, मतलब कि मेरा जो टोटल कैपिटल है उसमें मेरे सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या होंगे। मतलब क्या पूरा ही 10 लाख रुपए मैं इक्विटी शेयर कैपिटल से रेज कर दूँ, या कुछ पैसा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से रेज करूँ, या इसमें से कुछ पैसा लॉन्ग टर्म डेट से रेज करूँ। तो हमें ये सोचना पड़ता है प्रपोर्शन ऑफ दी फंड्स रेज कितना होना चाहिए। ये कैपिटल स्ट्रक्चर की बात आती है। द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस ऑफ फाइनेंस इसे बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। बोलते हैं इट रेफर्स टू द फॉर्म्स ऑफ फाइनेंसिंग कि कौन सा सोर्स ऑफ कैपिटल हमें चुनना चाहिए, कौन सा सोर्स ऑफ कैपिटल हमें टैप करना चाहिए, मतलब चुनना चाहिए। देयर एक्चुअल रिक्वायरमेंट कि एक्चुअल में हमें कितना बताइए अमाउंट, कौन से सोर्स से कितना कितना अमाउंट हमें रेज करना चाहिए, एंड द रिलेटिव प्रपोर्शन और द रिलेटिव मिक्स इन द टोटल कैपिटल। मतलब पहले आप ये डिसाइड करो कि कौन सा सोर्स हम चुनेंगे, देन आप डिसाइड करो आपको टोटल कितना अमाउंट चाहिए, और फिर आप डिसाइड करो कि अब ये टोटल अमाउंट में इन सब का प्रपोर्शन या मिक्स कितना होगा, समझा। तो बोलते हैं कि द सोर्स एंड द क्वांटम, सोर्स मतलब क्या इक्विटी प्रेफरेंस या लॉन्ग टर्म डेट, ये हो गया सोर्स, एंड क्वांटम मतलब क्या कितना वैल्यू कितना क्वांटिटी। तो द सोर्स एंड द क्वांटम ऑफ कैपिटल इज टू बी डिसाइडेड बाय कीपिंग इन माइंड द फॉलोइंग 3 फैक्टर्स। तो इन 3 फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए हमें ये सोर्सेस को डिसाइड करना चाहिए, अमाउंट को डिसाइड करना चाहिए। सबसे पहली बात है कंट्रोल। बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी इन सच अ वे दैट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कंटिन्यू टू हैव मेजोरिटी शेयर मेजोरिटी स्टेक, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने इतने ज्यादा इक्विटी शेयर इशू कर दे जिससे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का कंट्रोल बहुत ही डाइल्यूट हो चुका है, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। रिस्क हमें ऐसा इंश्योर करना चाहिए कि हमारा फाइनेंशियल रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, हमारे टॉलरेबल लिमिट से भी बढ़ना नहीं चाहिए। मतलब क्या हम अगर दनादन डेट रेस करते जाएंगे तो हमारा फाइनेंशियल रिस्क फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन बढ़ेंगे। यस नेक्स्ट, फिर हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है हमारा जो WACC है हमारा ये मिनिमम आना चाहिए, है ना, मिनिमम रहना चाहिए। इस प्रकार से कैपिटल स्ट्रक्चर चुनो जिससे WACC आपका मिनिमम आए, ठीक है। नेक्स्ट तो बोलते हैं कि ये कंट्रोल रिस्क एंड कॉस्ट ये तीनों चीज़ों को अचीव करने के लिए ये तीनों चीज़ों को प्रैक्टिकली अचीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी एक फाइनेंस मैनेजर को ट्राई करना चाहिए टू अचीव अ बैलेंस बिटवीन ऑल ऑफ देम, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है कि किसी भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है किसी भी कंपनी में, तो ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड क्या बताइए वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, कि हमारी वैल्यू ऑफ कंपनी हमेशा मैक्सिमम होनी चाहिए मैक्सिमाइज होनी चाहिए। तो चूंकि यही हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है, बोलते हैं कि ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करने का भी ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हम हमारे वैल्यू को मैक्सिमाइज करें, वैल्यू ऑफ फर्म को मैक्सिमाइज करें। बोलता है कि वैल्यू ऑफ फर्म आता कैसे है, तो वैल्यू ऑफ फर्म कैसे आता है, बोलता है EBIT अपॉन WACC। तो जो आप पैसा कमाते हैं आपके कंपनी से डिवाइडेड बाय योर रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स या रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल, सो EBIT अपॉन WACC करते हैं तो आपको वैल्यू ऑफ फर्म आपका निकलता है। या इसको निकालने का और एक तरीका होता है कि वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट। तो इक्विटी की वैल्यू को हम डिनोट करते हैं S से, S क्यों, शेयर होल्डर का S है,
एंड डेट को हम डिनोट करते हैं, वैल्यू ऑफ डेट को डिनोट करते हैं डी से। तो हम बोलते हैं कि मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म इज ऑल्सो इक्वल टू वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट, है ना। अच्छा सर, तो इक्विटी की वैल्यू कैसे आएंगी? बोलते हैं नेट इनकम। मतलब क्या नेट इनकम? मतलब क्या आपका पैट। तो नेट इनकम डिवाइडेड बाय के प्लस वैल्यू ऑफ डेट कैसे निकलता है मार्केट वैल्यू? तो इंटरेस्ट अपॉन केडी से निकलता है, ठीक है। अब बोलते हैं वैसे तो हमारे और भी सोर्सेस ऑफ फाइनेंस होते हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं बेटा कैपिटल स्ट्रक्चर की थियोरीज। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग थियोरी दी है कि कैसे कैपिटल स्ट्रक्चर हमें डिसाइड करना चाहिए। तो अपने एनालिसिस को आसान बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए, इस चैप्टर में हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि हमारे सिर्फ दो ही सोर्सेस ऑफ फाइनेंस है, इक्विटी एंड डेट। तो इन दिस चैप्टर वी स्टडी कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज वेयर वी अज्यूम दैट अ फर्म हैज ओनली टू सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, डेट एंड इक्विटी। ऐसा क्यों अजम्पशन लिया? ताकि हमारे जो थियरीज हैं उनको पढ़ना आसान हो जाए, इसीलिए। समझ में आ गई बात है? यस। तो ये हमारा क्या है बताएं, वैल्यू ऑफ फर्म। एंड ये मैंने कुछ आपको बेसिक्स बता दिए इस चैप्टर के। फिर बात आते हैं बेटा जो मेन चीज है इस चैप्टर की, कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज। तो बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज जो है वो तीन प्रकार की। एक होती है आपकी इररेलेवेंस थियरी, एक है रेलेवेंस थियरी, एंड कुछ है अदर थियरीज जो उतनी काम की नहीं है। इस पे सिर्फ थियरी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, उससे ज्यादा कुछ नहीं आता। इस पर कोई प्रैक्टिकल सवाल नहीं आता है, क्योंकि प्रैक्टिकल जैसे कोई चीज इसमें है ही नहीं। मतलब प्रैक्टिकल वैल्यू निकालने की कोई चीज उसमें ज्यादा है नहीं। चलिए, सो बात करते हैं इररेलेवेंस थ्योरी। इररेलेवेंस थ्योरी बोलता है कि आपका चाहे कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा भी हो, वो वैल्यू ऑफ फर्म को अफेक्ट नहीं कर सकता। तो इररेलेवेंस थ्योरी वाले लोग बोलते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज एन इररेलेवेंट डिसीजन। मतलब कि कैपिटल स्ट्रक्चर के बदलने से आपका वैल्यू ऑफ फर्म नहीं बदलता है, वो सेम रहता है। मतलब सर, मतलब कि समझो अगर दो कंपनी है, एक है कंपनी ए कंपनी बी, दोनों का टोटल कैपिटल है 10 लाख 10 लाख। अरे यार, यार अभी भी मैं इसमें हूं क्या? मैंने क्या बोला बेटा, सुनो बात ध्यान से। मैंने बोला दो कंपनी है, कंपनी ए एंड कंपनी बी, है ना। दोनों का बेटा टोटल कैपिटल जो है वो है 10 लाख, इसका भी 10 लाख है। बट कंपनी ए में इक्विटी शेयर कैपिटल है 6 लाख का, एंड लॉन्ग टर्म डेट है 4 लाख का। एंड कंपनी बी में 3 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल है, 7 लाख का लॉन्ग टर्म डेट है। बोलते हैं अगर दो कंपनी का टोटल कैपिटल सेम है, तो इस कंपनी का टोटल वैल्यू भी सेम ही रहेगा। इसके कैपिटल स्ट्रक्चर चाहे कैसा भी हो, इसमें फंड्स के प्रपोर्शन कैसे भी हो, वो मैटर नहीं करता। वैल्यू ऑफ फर्म सेम रहता है, भले ही आप कैपिटल स्ट्रक्चर को बदल दो, फिर भी। समझ में आ रहा है? यह है इररेलेवेंस थ्योरी। रेलेवेंस थ्योरी क्या बोलता है? ये बोलता है कि अगर आप बताइए, अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर को बदलेंगे तो आपका वैल्यू ऑफ फर्म भी बदलता है। तो चेंजेस इन कैपिटल स्ट्रक्चर अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ फर्म। तो ये होता है रेलेवेंस थियरी, है ना। आप इररेलेवेंस में ऐसा भी सोच सकते हैं कि पहले कंपनी ए में, कंपनी ए का टोटल कैपिटल था कितना बताइए, 10 लाख, जिसमें से 6 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल, 4 लाख लॉन्ग टर्म डेट। तो अगर आपने इसमें ऐसा बोला कि हमने कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करके इसको 8 लाख कर दिया, इसको 2 लाख कर दिया, तो बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के बदलने से वैल्यू नहीं बदलती, सेम रहती है। ऐसा कौन बोलता है? इररेलेवेंस थ्योरी वाले। और रेलेवेंस थ्योरी वाले बोलते हैं कि नहीं, अगर तुमने कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज किया तो वैल्यू भी बदल सकता है। एंड देन कुछ अदर थ्योरी है जो कि मतलब थ्योरीज है, थ्योरेटिकल टॉपिक है, ठीक है। तो अब हम एक एक करके ये चीजें देखेंगे, ठीक है। तो बोलते हैं देखो, हमारे इररेलेवेंस थ्योरी में आता है एनओआई अप्रोच एंड मोदी गिलानी मिलर अप्रोच विदाउट टैक्स वाला। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, अब प्लीज आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, है ना, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। बोलते हैं थियोरीज पढ़ने के पहले, हम जो भी अभी थियोरी पढ़ेंगे, ये सारी थियोरीज पढ़ने के पहले इस चैप्टर के आपको कुछ और अजम्पशंस पता होने चाहिए।
तो इस चैप्टर को पढ़ने के पहले हमें और क्या क्या अजम्पशंस को मानना है ये हमें देखना है, ठीक है? चलिए देखेंगे। सबसे पहली बात बोलते हैं कि इस चैप्टर में हम जब थ्योरीज पढ़ेंगे तो आपको ये अज्यूम करना है कि देर आर ओनली टू काइंड ऑफ फंड्स, डेट एंड इक्विटी। ऐसा क्यों किया? ताकि हमारा एनालिसिस सिंपल हो जाए, इसलिए हमने ऐसा अजम्पशन लिया हुआ है। नेक्स्ट बोलते हैं जो टोटल एसेट्स होते हैं फर्म के वो हमेशा कॉन्स्टेंट होने चाहिए। मतलब अगर आप कैपिटल, टोटल कैपिटल का कैपिटल स्ट्रक्चर बदलते हैं तो इससे आपका टोटल एसेट की वैल्यू नहीं बदलनी चाहिए। बोलते हैं आप अगर चाहे तो आपके कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू ऑफ एसेट्स नहीं बदलनी चाहिए। ऐसा बोल रहे हैं टोटल एसेट्स नहीं बदलने चाहिए। बोलते हैं आप आपके कंपनी में कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे चेंज करेंगे? तो बोलते हैं आप डिग्री ऑफ लेवरेज, मतलब डिग्री ऑफ डेट, आप इसको चेंज कर सकते हैं। कैसे? तो बोलते हैं देखो, अगर आपको आपके कंपनी में डेट को बढ़ाना है, अगर आप चाहते हैं कि आप आपकी कंपनी में अगर लेवरेज बढ़ाना चाहते हैं, या इन शॉर्ट आप आपके कंपनी में डेट बढ़ाना चाहते हैं लेकिन कैपिटल स्ट्रक्चर उतना ही रखना है, तो क्या करेंगे? तो बोलते हैं कि आपके जो इक्विटी शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स हैं उसको क्या करो बताइए? इक्विटी शेयर्स को बायबैक कर लो, और जो पैसा मिलेगा उससे और क्या बताइए बताइए, और मतलब वापस से सुनिए क्या बोल रहा हूं मैं। अगर आपको डेट रेज करना है, डेट बढ़ाना है, तो क्या करो? बोलते हैं आप डिबेंचर्स इशू करो, मतलब सेल करो डेट, है ना, डिबेंचर्स इशू करो और लोगों को। तो समझो आपने लोगों को और 3 लाख के डिबेंचर इशू किए तो आपका डेट हो गया 7 लाख का, और ये जो 3 लाख रुपए आए ना इससे इक्विटी शेयर कैपिटल को रीपे कर दो 3 लाख, तो ये बच जाएगा अभी 3 लाख, तो वापस से आपका टोटल कैपिटल 10 लाख ही रहेगा। तो सेल डेट एंड परचेज बैक द शेयर्स, तो इससे बेटा क्या होगा, आपके कंपनी में डेट या लेवरेज बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से बेटा अगर आप चाहते हैं कि आप आपके कंपनी में डेट को कम करना चाहते हैं, समझो अगर आप आपके कंपनी में डेट को क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, तो फिर क्या करेंगे, है ना, आप आपके कंपनी में डेट को कम करना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे? तो फिर बोलते हैं, देखो सुनिए बात ध्यान से, तो फिर बोलते हैं आप जो है शेयर्स को सेल करो एंड डेट को रिटायर कर दो। मतलब क्या? आप जो है शेयर्स को सेल करो, मतलब क्या, और शेयर्स इशू करो। तो आप समझ लो 2 लाख के और शेयर इशू करो तो 8 लाख रुपए हो जाएगा टोटल शेयर कैपिटल, और ये जो 2 लाख रुपए आए ना इससे तुम्हारे लॉन्ग टर्म डेट को रीपे कर देना, तो 2 लाख ये बचेगा, तो वापस से 10 लाख का टोटल कैपिटल रहेगा। तो बोलते हैं आप टोटल एसेट्स को सेम रखोगे, आप लेवरेज की डिग्री को कम ज्यादा कर सकते हो ये चीजें करके। फिर बोलते हैं हम जनरली टैक्सेस को यहाँ पे इग्नोर करते हैं। इसका रीजन क्या है बेटा? इसका रीजन होता है कि अलग अलग कंट्री में टैक्स का, सुनिए बात ध्यान से, अलग अलग कंट्री में बेटा टैक्स के रूल्स अलग अलग होते हैं। तो जब लोगों ने ये थियोरीज बनाई थी उस समय पे उन्होंने सोचा यार ये अलग अलग कंट्रीज में टैक्स को कैलकुलेट करने के तरीके अलग अलग हैं, तो हमारा ना बहुत ही खिचड़ी हो जाएगा, एक काम करते हैं टैक्स को इग्नोर करते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारी जो थियोरी है ये हर जगह हम फिर अप्लाई कर पाएंगे। तो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी के लिए इन्होंने ऐसा अजम्पशन लिया था कि टैक्सेस को आप इग्नोर कीजिए। लेकिन बेटा ये जो अजम्पशन है ये हम यहाँ पे नहीं लेते, तो लिखेंगे यहाँ पे कि दिस अजम्पशन इज नॉट टेकन, ये हम अजम्पशन नहीं लेते इन केस ऑफ एमएम अप्रोच विथ टैक्स, है ना। तो हम एमएम अप्रोच विथ टैक्स में ऐसा अजम्पशन नहीं लेते, एमएम अप्रोच विथ टैक्स में हम टैक्स को कंसिडर करते हैं लेकिन बाकी सारी थियरीज में हम टैक्स को इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट बोलता है डिविडेंड पे आउट रेशियो हमारा 100% है। मतलब क्या? हमारा कुछ भी रिटेन अर्निंग नहीं होता। हमने क्या बोला था कि हमारे बिजनेस में सिर्फ 2 ही काइंड के फंड होने चाहिए, डेट एंड इक्विटी, रिजर्व एंड सरप्लस भी नहीं चलता, समझा। तो इससे ही रिलेटेड है हमारा पॉइंट नंबर 4 कि डिविडेंड पेआउट रेशियो 100%, जितना पैसा कमाएंगे पूरा डिविडेंड बांटेंगे, रिटेन अर्निंग कुछ भी नहीं रखेंगे। नेक्स्ट बोलता है वो कि हमारा टोटल फाइनेंसिंग हमेशा सेम रहना चाहिए, ये सेकंड पॉइंट से रिलेटेड है।
टोटल कैपिटल हमारा सेम रहेगा, बस हम उसके अंदर डेट को, डिग्री ऑफ लेवरेज को कम ज्यादा कर सकते हैं। बोलते हैं हमारे बिजनेस, हमारे कंपनी का बिजनेस रिस्क हम कांस्टेंट मानेंगे, लेकिन जो फाइनेंशियल रिस्क होता है ये समय के साथ साथ बदलेगा, क्योंकि जैसे जैसे डेट बढ़ाओगे तो फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगा और जैसे जैसे डेट कम करोगे तो फाइनेंशियल रिस्क कम होगा। देन बोलते हैं कि हम यहां पर अज्यूम करते थे द फर्म हैज अ परपेचुअल लाइफ। इसका मतलब क्या है, ये तो बेसिक अजम्पशन है, आप अकाउंट्स में भी हमेशा यही अजम्पशन लेके बैलेंस शीट वगैरह बनाते हैं कि हमारा जो फर्म है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक गोइंग कंसर्न है, तो उसकी परपेचुअल लाइफ है, यही हम अज्यूम करते हैं यहां पे भी। एंड और भी अगर आपके दिमाग में कोई भी फैक्टर आता होगा उसको भी कॉन्स्टेंट मानो। क्या बात समझ में आ गई, ये अजम्पशन समझ में आएगा बेटा, जब तक ये अजम्पशन समझ में नहीं आएंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, है ना। वरना बच्चे बार बार बीच में डिस्टर्ब करते हैं, अरे सर इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, तो इसलिए पहले अजम्पशन बताना जरूरी है। चलिए तो सबसे पहले बेटा बात करेंगे नेट इनकम अप्रोच की। तो नेट इनकम अप्रोच जो है बेटा ये रेलेवेंस थ्योरी का पार्ट था, चेक करो, नेट इनकम अप्रोच जो है ये रेलेवेंस थ्योरी का पार्ट था। अच्छा, नेट इनकम अप्रोच क्या बोलता है, ये रेलेवेंस थ्योरी का पार्ट है। मतलब क्या, मतलब कि अगर आपने आपके कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज किया तो आपके कंपनी की जो वैल्यू है या द वैल्यू ऑफ फर्म है ये भी चेंज होगी। तो नेट इनकम अप्रोच वाले लोग बोलते थे कि देखो अगर आप आपके कंपनी में डेट का प्रपोर्शन बढ़ाते हैं, मतलब अगर आप आपके टोटल कैपिटल में डेट को इंक्रीज करते हैं तो इससे आपका वैल्यू ऑफ फर्म भी इंक्रीज होता है, ये नेट इनकम अप्रोच वालों ने बोला था। तो देखो एज पर एनआई अप्रोच, एज द वैल्यू ऑफ डेट इंक्रीजेस इन कैपिटल द WACC डिक्रीजेस एंड द वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीजेस। तो यहां पे एग्जांपल मैंने दिया है कि पहले 6 लाख 4 लाख का इक्विटी डेट था, दोनों का वेट हमने लिखा, देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 12%, कॉस्ट ऑफ डेट है 8%, तो हमने WACC पहले निकाला 10.40%। अब हमें टोटल कैपिटल सेम रखना है, लेकिन अब मैं क्या करूंगा, मैं डेट का प्रपोर्शन बढ़ा दूंगा इसमें। तो पहले 4 लाख था डेट, अब मैंने 7 लाख का डेट कर दिया। बोलते हैं कि जब मैं सिर्फ डेट का प्रपोर्शन चेंज करता हूं तो ऑब्वियसली इक्विटी भी चेंज होगा। अब क्या होगा, हमारे वेट बदल जाएंगे, और वेट बदलने से क्या होगा, अब समझो पहले बेटा जो हमारा ये 12% था, 12% क्या है, KE, पहले हम 12% KE को ज्यादा वेट से मल्टीप्लाई करते थे इसलिए हमारा ये ज्यादा आ रहा था। अब हमारा जो 12% का जो कॉस्ट है KE, अब वो कम वेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, और जो कम वाला रेट था KD वो ज्यादा वेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऑब्वियसली हमारा WACC यहां पे कम हो जाता है। अगर समझ में आया तो वेरी गुड, नहीं समझा तो क्या करें, कोई दिक्कत नहीं, याद रखेंगे। क्या बताइए कि नेट इनकम अप्रोच में उन्होंने बोला कि हायर द डेट इन कैपिटल स्ट्रक्चर हायर विल बी द वैल्यू ऑफ फर्म, खत्म। तो ध्यान देंगे आप क्या लिखा है, बोलते हैं कि नेट इनकम अप्रोच में हमें कुछ और अजम्पशंस लेने पड़ते हैं, जैसे कि क्या, बोलते हैं कि KD एंड KE हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, चाहे आप आपके टोटल कैपिटल में इसका कुछ भी प्रपोर्शन हो, हमारा KD और KE कांस्टेंट रहेगा। एंड दूसरा पॉइंट होता है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमेशा ज्यादा होता है कॉस्ट ऑफ डेट से, ये तो वैसे भी लॉजिकल अजम्पशन है। मुझे बताइए कि हमारे कंपनी में जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं हमेशा इनका एक्सपेक्टेशन ज्यादा होता है डिबेंचर होल्डर्स से, क्यों, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले ज्यादा रिस्क उठाते हैं, अरे डेट वालों के लिए तो कितना आसान है, उनको हर साल इंटरेस्ट तो मिलना ही मिलना है, प्रिंसिपल अमाउंट भी रीपे होगा ही उनका अगर रिडीमेबल होगा तो, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर के पास ऐसा कोई कन्फर्मेशन नहीं होता, तो इक्विटी शेयर होल्डर वाले चूंकि ज्यादा रिस्क उठाते हैं इसलिए KE शुड बी ग्रेटर देन KD। आगे बोलता है इसका कंक्लूजन क्या है NI अप्रोच का, वही कि अगर आप आपके कंपनी का वैल्यू, आप आपके कंपनी की वैल्यू या फर्म की वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो आपके टोटल कैपिटल में डेट बढ़ा दो, तो हायर द डेट लोअर द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हायर विल बी द वैल्यू ऑफ फर्म, खत्म।
तो देखो इसका डायग्राम कैसे बनता है एक बार क्विकली देखेंगे, डायग्राम पे कोई सवाल आता नहीं, एक बार क्विकली फिर भी देख लेंगे। बोलते हैं देखो आपका के डी एंड के ई हमेशा कांस्टेंट रहेगा एंड के ई आपका ज्यादा होगा के डी से, इसलिए के ई ऊपर लिखा है के डी नीचे लिखा है। अच्छा बोलते हैं जब आपके बिजनेस में डेट जीरो है, मतलब क्या पूरा इक्विटी है, कभी भी देखो इक्विटी जीरो हो ही नहीं सकता। सोचो अगर इक्विटी ही जीरो है तो कंपनी कैसे चालू होगी, तो इक्विटी शेयर कैपिटल तो होगा ही, डेट जीरो हो सकता है, समझा। तो जब डेट जीरो होगा तो आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वही कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगा। इसीलिए जब हमारा अमाउंट ऑफ डेट जीरो होता है तो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कॉस्ट ऑफ इक्विटी जितना होता है, इसीलिए हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है यहां से ही स्टार्ट होता है, जहां से के ई स्टार्ट होता है, समझा। अच्छा एंड ऑब्वियस सी बात है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है बेटा, ये एवरेज है ना, ये क्या है, ये वेटेड एवरेज है। किसका वेटेड एवरेज है, ये वेटेड एवरेज है के ई और के डी का। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इन दोनों के बीच में ही होगा ना, इससे ये के ई से ज्यादा और के डी से कम हो ही नहीं सकता, क्योंकि दो चीज का जब एवरेज निकालेंगे तो दोनों चीज के बीच की ही वैल्यू आती है, ठीक है। तो बोलते हैं जैसे जैसे आप आपके कंपनी में लेवरेज बढ़ाते हैं, अमाउंट ऑफ डेट बढ़ाते हैं, तो के ओ की वैल्यू गिरते 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 जाती है। तो हायर द डेट लोअर द के ओ, हायर विल बी द वैल्यू ऑफ फर्म। सर वैल्यू ऑफ फर्म कैसे बढ़ रही है इससे, क्योंकि वैल्यू ऑफ फर्म होता है ई बी आई टी अपॉन के ओ। तो अगर के ओ गिरेगा तो वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेगा, इसलिए। नेक्स्ट देखेंगे अगली बात, नेक्स्ट चलिए जल्दी से देखेंगे, हाँ अगली बात देखेंगे, कम ऑन नेक्स्ट बात देखेंगे इसके बाद। अब आती है बात बेटा, इसमें जो शब्द यूज होते हैं एनओआई एंड एनआई, इसका मतलब क्या होता है। एनओआई का मतलब होता है बेटा नेट ऑपरेटिंग इनकम। तो एनओआई मतलब क्या, पीबीआईटी को ही हम एनओआई बोलते हैं। किसको एनओआई बोलते हैं, पीबीआईटी को, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को ही हम एनओआई बोलते हैं या नेट ऑपरेटिंग इनकम बोलते हैं। इसमें से बेटा जब मैं इंटरेस्ट को माइनस कर देता हूं तो मुझे मिलता है पीबीटी। अब अगर क्वेश्चन में टैक्स का डेटा नहीं दिया है ना, तो टैक्स अगर नहीं है क्वेश्चन में, तो जो मेरा पीबीटी होगा उसमें से टैक्स जीरो जाएगा, तो पीबीटी ही पीएटी होगा मेरा, मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा, तो ये दोनों सेम ही होगा। और प्रेफरेंस डिविडेंड तो होगा ही नहीं, नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि हमारे इन थ्योरीज में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लेते च नहीं, समझ मारी बात है। तो हमारा अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर भी क्या हो जाएगा आपका, यही पीबीटी जितना ही हो जाएगा। तो बोलते हैं कि जब हमारा टैक्स नहीं होता क्वेश्चन में तो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही नेट इनकम होता है। मतलब कि जब टैक्स नहीं होता तो एनओआई माइनस इंटरेस्ट अगर कर दूं तो मुझे नेट इनकम मिल जाता है, क्या समझी क्या बात। लेकिन जब टैक्स एग्जिस्ट करता है, कहां टैक्स एग्जिस्ट करता है, एक ही अप्रोच में होता है, एमएम अप्रोच विद टैक्स, इसमें टैक्स एग्जिस्ट करता है। तो इस केवल और केवल इस अप्रोच में हमारा जो है नेट इनकम क्या होता है, तो इस अप्रोच के हिसाब से हमारा नेट इनकम होता है बेटा पैट। क्या होता है, पैट। तो जब टैक्स होता है क्वेश्चन में तो हमारा नेट इनकम होता है एनओआई माइनस इंटरेस्ट, मतलब पीबीआईटी में से इंटरेस्ट निकालो और फिर इसको 1 माइनस टैक्स से मल्टीप्लाई करो तो आपका नेट इनकम आता है। क्या बात समझ में आ गई। तो जब टैक्स नहीं होगा तो ये होता है नेट इनकम, और जब टैक्स होगा जो कि सिर्फ ये एक ही अप्रोच में होता है, तो ये नेट इनकम का फॉर्मूला होता है। क्या बात समझ में, आगे सबको बताइए फास्ट, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद फिर बात करते हैं बेटा ट्रेडिशनल अप्रोच। अगेन ये भी रेलेवेंस थ्योरी है ना, ट्रेडिशनल अप्रोच बेटा ये भी क्या है बताइए, ये भी हमारा क्या है फास्ट, ये भी हमारा बेटा रेलेवेंस थ्योरी है ना। ट्रेडिशनल अप्रोच बोलते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बोलता है, बोलते हैं कि हमारा जो नेट इनकम अप्रोच वाले लोग है ना पगले हैं, ये कुछ भी बातें करते हैं, है ना। अच्छा और एक चीज बेटा मैं बता दूं, मेरी बात सुनिए, समझिए इस बात को, एक बात को समझिए, मुझे बताइए है ना, मुझे जवाब देगा कौन, क्रिश, मुझे क्रिश जवाब देगा, क्रिश है, क्रिश मुझे बताइए
क्या आपको शाहरुख खान पसंद है? क्रिश, मुझे क्रिश इस क्वेश्चन का जवाब देगा। क्या आपको एसआरके पसंद है क्या? क्रिश बताओ जल्दी से, क्या आपको एसआरके पसंद है? क्रिश बताइए। हाँ सर पसंद है बोल रहा है, पर मुझे एसआरके नहीं पसंद। ठीक है एग्जाम्पल, ठीक है दिल पे मत लो। हाँ पर मुझे एसआरके समझो नहीं पसंद, तो मुझे बताइए इसमें से सही कौन है और गलत कौन है? बताइए क्या क्रिश सही है या एमवी सर सही है? बताओ। अरे सर ये तो दोनों का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग तो हो ही सकते हैं ना, तो इसमें कोई सही गलत की बात नहीं होती, समझा? तो इसमें एक बच्चे ने सवाल पूछा था, सर अगर हम नेट इनकम अप्रोच पढ़े और फिर कोई भी दूसरा अप्रोच पढ़े तो ये तो दोनों अलग अलग चीजें बोल रहे हैं, मतलब नेट इनकम अप्रोच के हिसाब से एनओआई वाले गलत हैं और इनके हिसाब से नेट इनकम वाले गलत हैं। अरे बेटा यहाँ पे आपको सही गलत की बातें करनी ही नहीं है, यहाँ पे आपको कैपिटल स्ट्रक्चर के अलग अलग नजरिए दिए हैं कि अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कैपिटल स्ट्रक्चर हमें कैसे डिसाइड करना चाहिए। तो नेट इनकम अप्रोच वालों ने बोला कि भैया कैपिटल स्ट्रक्चर में ज्यादा से ज्यादा डेट रखो ताकि हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिरे एंड वैल्यू ऑफ फर्म हमारा बढ़े, ये लोग बोलते हैं। तो ये कोई सही गलत की बात नहीं है, ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू है और इन्होंने इसे प्रूफ करके बताया है। समझ मारे क्या बोल रहा हूं? हाँ ऐसा, ठीक है तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। तो ट्रेडिशनल अप्रोच बेटा क्या बोलता है, ये भी रेलेवेंस थ्योरी में आता है। देखो ट्रेडिशनल अप्रोच जो है राजा मेरे दोस्त, ये भी कहाँ आता है? रेलेवेंस थ्योरी में आता है। अच्छा ट्रेडिशनल अप्रोच वाला बोलता है नेट इनकम वाले है पगला है तो कुछ भी बातें करता है। अरे अरे अगर तुम बिजनेस में दनादन 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 डेट बढ़ाते जाओगे तो मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो गिरता है लेकिन इनिशियली गिरेगा रे। अरे एक पॉइंट के बाद जब तुम बहुत ज्यादा डेट बढ़ा दोगे ना तो कंपनी में फाइनेंशियल रिस्क बहुत बढ़ जाता है और फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को अंदर से कुछ होने लगता है, उनको लगता है अरे यार ये तो कंपनी पागल हो गई है, धनाधन धनाधन डेट बढ़ा रही है। अरे नहीं, हमारा भी अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ा दो भैया, हम कितना फाइनेंशियल रिस्क झेले। तो बोलते हैं कि जब आप डेट बढ़ाते हैं तो एक पॉइंट तक आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिरेगा लेकिन एक पॉइंट के बाद कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ना चालू हो जाता है, तो इसके वजह से आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल वापस से बढ़ना चालू हो जाता है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच वाले बोलते हैं, सुनना बहुत ध्यान से, बोलते हैं कि इंक्रीज लेवरेज, आप डेट को इंक्रीज करो बट ओनली अप टू ऑप्टिमम पॉइंट वेयर द केओ विल बी मिनिमम। तो बोलते हैं आप डेट को बढ़ाओ लेकिन सिर्फ तब तक बढ़ाओ जब तक आपका केओ मिनिमम नहीं हो जाता, और जैसे ही केओ आपका मिनिमम हो जाएगा वहां पे रुक जाना, उतना ही डेट रेस करना। तो जहां पे केओ मिनिमम होगा वहां पे वैल्यू ऑफ फर्म अपने आप आपका मैक्सिमम आ जाएगा। तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच वाले ने बोला। तो इसने क्या बोला कि देखो वैसे तो केडी और केई इनिशियली कांस्टेंट होगा लेकिन कुछ समय बाद अगर आप धनाधन धनाधन डेट बढ़ाते जाओगे तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डर लगना चालू हो जाता है, तो एक पॉइंट के बाद वो अपना एक्सपेक्टेशन बढ़ाना चालू कर देते हैं जिसके वजह से केओ बढ़ना चालू हो जाता है। तो बोलते हैं आप आपके लेवरेज को सिर्फ ऑप्टिमम पॉइंट तक बढ़ाइए, आप आपके लेवरेज को अमाउंट ऑफ डेट को ऑप्टिमम, यस ऑप्टिमम लेवल तक ही बढ़ाइए जहां तक हमारा केओ मिनिमम आ जाए, जहां पे ये मिनिमम आ जाएगा सिर्फ वहां तक इसे बढ़ाना और फिर बाद में क्या बताइए फास्ट उसके ज्यादा उससे ज्यादा डेट मत रेस करना, ये ट्रेडिशनल अप्रोच वाले ने बोला, समझा है? नेक्स्ट फिर आता है एनओआई अप्रोच। एनओआई अप्रोच है इररेलेवेंस थ्योरी। एनओआई अप्रोच क्या है? इररेलेवेंस थ्योरी। देखो एनओआई अप्रोच क्या है बेटा? इररेलेवेंस थ्योरी, ध्यान देंगे, चलिए। हाँ इररेलेवेंस थ्योरी, चलिए ध्यान देंगे, चलिए।
एनओआई अप्रोच बोलता है, अरे भैया तुम कितना भी डेट बढ़ा लो, तुम कितना भी डेट बढ़ा लो, हमारा कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ढीट होता है। कैसा होता है ये ढीट? ये ढीट होता है, ये बदलता च नहीं। तुम कितना भी, अरे कितना भी डेट बढ़ा लो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ढीट है, वो बदलेगा च नहीं। ऐसा क्यों होता? बोले ऐसा क्यों होता? तो बोले देखो देखो, बोलता है देखो, ये पॉइंट बनना जरूरी है, ये है एनओआई अप्रोच। बोलते हैं जैसे जैसे आप फाइनेंशियल लीवरेज बढ़ाते हैं ना कंपनी में, वैसे वैसे फाइनेंशियल रिस्क बढ़ता है कंपनी में। जैसे जैसे आप, सुनना मत ध्यान से ठीक है, देखो हमने क्या इनिशियली पढ़ा था, कैसा देखो हमने इनिशियली ऐसा पढ़ा था कि डेट के बढ़ाने के वजह से आपका WACC कम होता है, याद आ रहा है कि नहीं, ये चेक करो। तो बोलता है डेट के बढ़ाने के वजह से अगर आपने लीवरेज बढ़ाया कंपनी में तो WACC कम होगा, करेक्ट करेक्ट। लेकिन बोलता है जब आप डेट को बढ़ाते हैं ना तो आपके कंपनी में फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज होता है। फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है बेटा? इंक्रीज होता है, ठीक है। और प्लीज ध्यान देंगे, हाँ, और जो है इक्विटी शेयर होल्डर्स को डर लगना चालू हो जाता है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ना चालू हो जाता है। तो डेट के बढ़ाने के वजह से जितना हमारा WACC कम हुआ था एग्जैक्टली उतना ही WACC हमारा बढ़ जाता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बढ़ने के वजह से। मतलब कि जब आप डेट बढ़ाते हैं तो WACC कम होता है, लेकिन कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ना चालू हो जाता है, और वो इस डिक्रीज इन WACC को कंपनसेट कर लेता है विथ इंक्रीज इन WACC। मतलब कि समझो आपका WACC ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पहले 10% था, तो डेट बढ़ाने के वजह से आपका 2% से बढ़ा WACC, लेकिन कॉस्ट ऑफ इक्विटी एग्जैक्टली उतना बढ़ता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी जितना हमारा WACC का डिक्रीज कंपनसेट हो जाए। तो इसके वजह से 2% से एग्जैक्टली WACC बढ़ेगा, तो हमारा नया WACC क्या होगा कि 10% माइनस 2% ये वाला प्लस 2%, तो हमारा नेट इफेक्ट WACC पे कुछ आता ही नहीं, वो सेम रहता है। ये झेपा क्या बताइए? तो देखो क्या लिखा है यहां पे, ध्यान दीजिए, बेटा बोलता है एज फाइनेंशियल लीवरेज या द अमाउंट ऑफ डेट इंक्रीजेस द इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल कंपनसेट द इंक्रीज इन फाइनेंशियल रिस्क सच दैट द WACC रिमेन कॉन्स्टेंट। तो इसका जो डायग्राम है कैसे बनता है देखो, हमारा KD बोलता है कॉन्स्टेंट रहेगा, बोलते हैं KD कॉन्स्टेंट रहेगा और KE KD से ज्यादा रहेगा, तो KE KD के ऊपर है। बोलता है जब हमारा जीरो डेट होता है, जीरो, जब जीरो लीवरेज होगा तो KO कितना होगा? KO विल बी इक्वल टू KE, करेक्ट। अब जैसे जैसे आप डेट बढ़ाएंगे ना एग्जैक्टली वैसे वैसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ना चालू होता है, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी एग्जैक्टली उतना बढ़ता है जिससे हमारा कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कॉन्स्टेंट रहे। तो डेट के बढ़ने के वजह से भी हमारा KO जो है वो कांस्टेंट ही रहता है, बिकॉज द इंक्रीज इन KE कंपनसेट्स द इंक्रीज इन फाइनेंशियल रिस्क। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या है, कंक्लूजन क्या है? द इंक्रीज इन डेट इन कैपिटल स्ट्रक्चर लीड्स टू इंक्रीज इन KE सच दैट द KO रिमेन्स कॉन्स्टेंट। मतलब डेट बढ़ाने के बावजूद, टोटल कैपिटल में डेट बढ़ाने के बावजूद हमारा KO जो है ये सेम रहता है, तो वैल्यू ऑफ फर्म पहले जैसा था उतना ही रहेगा ना, खत्म। क्या समझा गया आपको, बताइए फास्ट। हाँ, झेपा मतलब क्या, समझा गया, ठीक है, आगे।
है ना। चलो क्या भाषण मारे कि नहीं बताइए फास्ट। यस चलो ठीक है सर आगे। अब मेन चीज जिसके लिए बच्चे एक्चुअल में इस चैप्टर का रिवीजन देख रहे हैं है ना, मेन चीज जिसके लिए एक्चुअल में बच्चे इस चैप्टर का रिवीजन देख रहे हैं वो उसका मेजर रीजन ही ये है। ऐसा अपन बोलते ना कि जैसे जैसे लोग जो है पहले इंडिया की मैचेस देखने क्यों जाते थे, क्योंकि सचिन तेंदुलकर जब बैटिंग कर रहे हैं वो देखने जाते थे, वो मेन अट्रैक्शन होता था, समझ पा रहा है ना। तो वैसे ही एफएम चैप्टर 5 का रिवीजन कोई बच्चा क्यों देखता है, एमएम अप्रोच समझने के लिए, ठीक है। क्या बताइए, एमएम अप्रोच समझने के लिए ही देखता है रिवीजन, ठीक है। ये मुझे पता है बेटा, मुझे पता है, ठीक है। हाँ वैसे तो ध्यान देंगे, तो क्या बताइए, मोदी गिलानी मिले अप्रोच, ठीक है। तो ध्यान देंगे, सर आपको कैसे पता, बस क्या करें पता है। चलिए अब जो है मैं जैसे आपको समझाऊंगा, ध्यान देना, ये पूरा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना, क्या आपको याद है कि एनओआई अप्रोच क्या बोलता है, एनओआई अप्रोच क्या बोलता है, एनओआई अप्रोच बोलता है कि देखो सुनो बात ध्यान से, एनओआई अप्रोच ने एक्चुअल में बोला क्या, सुनो हाँ ध्यान से, एनओआई अप्रोच ने बोला भले ही आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट को बढ़ा दे फिर भी वैल्यू ऑफ फर्म सेम रहता है। क्या यही चीज बोला क्या एनओआई अप्रोच ने? हाँ, मतलब कि समझो बेटा एक कंपनी है, कंपनी ए, जिसका इक्विटी शेयर कैपिटल लॉन्ग टर्म डेट ये है 10 लाख और ये है 0, तो टोटल कैपिटल है इसका 10 लाख। एंड एक है कंपनी बी जो कि सेम रिस्क क्लास की है, इसमें 6 लाख का है इक्विटी शेयर कैपिटल, 4 लाख का डेट है और इसका भी टोटल कैपिटल सेम है। एनओआई अप्रोच बोलता है कि चूंकि दोनों का टोटल कैपिटल सेम है, दोनों सेम रिस्क क्लास के हैं, सेम रिस्क क्लास का होने का मतलब क्या है, सेम रिस्क क्लास, इसे बोलते हैं होमोजीनस रिस्क क्लास, ठीक है। सेम रिस्क क्लास को क्या बोलते हैं, होमोजीनस रिस्क क्लास। कब बोलते हैं कि दो कंपनी होमोजीनस या सेम रिस्क क्लास की है, जब दोनों कंपनी का ईबीआईटी सेम होता है एंड दोनों कंपनी का ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम होता है, तब हम बोलते हैं कि दोनों कंपनी सेम रिस्क क्लास की है, ठीक है। तो एनओआई अप्रोच ने बोला कि जब दो कंपनी सेम रिस्क क्लास की होती है और दोनों में एक में डेट है एक में डेट नहीं है, बोले डेट बढ़ाने के वजह से भी वैल्यू ऑफ फर्म सेम नहीं रहेगा, वैल्यू ऑफ कंपनी ए विल बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ कंपनी बी। ये समझा गया, ये एनओआई अप्रोच बोल रहा है। अच्छा मुझे बताइए कंपनी ए क्या है, इसमें तो डेट है ही नहीं, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ लेवर्ड फर्म। तो लीवर्ड फर्म क्या होता है या लेवर्ड फर्म क्या होता है, जिसमें डेट होता है। अनलीवर्ड फर्म क्या होता है, जिसमें डेट नहीं होता। तो एनओआई अप्रोच में ने बोला चाहे डेट हो या ना हो, अगर दो कंपनी सेम रिस्क क्लास की है तो दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए। अब एनओआई अप्रोच वाले जो है इन्होंने ये बोल तो दिया लेकिन वो इसको समझा नहीं पाए, समझ पा रहे हैं, मतलब ये आपके जैसी हालत थी इनकी। हमको भी क्या होता है बताइए, कुछ कुछ चीजों में ना हमको मालूम रहता है कि कॉन्सेप्ट क्या है ये पता है लेकिन उसको एक्सप्लेन करना नहीं जमता, ऐसा होता कि नहीं, कॉन्सेप्ट क्या है ना वो मेरे को मालूम लेकिन एक्सप्लेन कैसे करें ये समझ में नहीं आ रहा। यही प्रॉब्लम एनओआई अप्रोच के साथ था, इसने ये कॉन्सेप्ट बता दिया लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ये अपनी बात को जस्टिफाई नहीं कर पाया कि क्यों ऐसा होता है एग्जैक्टली। समझ मा रहा है, समझ मा रहा है क्या बोल रहा हूं। तो एनओआई अप्रोच जो है ये लोगों ने, इसने बोला कि ऐसा होता है लेकिन ये इस चीज का जस्टिफिकेशन नहीं दे पाया, समझा। तो मोदी गिलानी मिलर ये लोग आए एंड इन्होंने बोला मैं बताता हूं, है ना, क्या बोला बताइए,
एनओआई अप्रोच वालों के पास मोदी गिलानी मिलर आए एंड इनको बोले मैं बताता हूं कि ऐसा क्यों होता है। तो हम पढ़ते हैं कि एमएम अप्रोच मोदी गिलानी मिलर ने क्या किया, दे प्रोवाइडेड दी ऑपरेशनल जस्टिफिकेशन, दे प्रोवाइडेड दी ऑपरेशनल जस्टिफिकेशन ऑफ एनओआई अप्रोच। समझा? तो मोदी गिलानी मिलर अप्रोच भी यही बोलता है कि वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ लेवर्ड, एंड ऐसा क्यों होगा ये भी मोदी गिलानी मिलर ने एक्सप्लेन किया। अब ये कहां एक्सप्लेन किया, ये एक्सप्लेन किया इन्होंने विदाउट टैक्स वाले मॉडल में। क्या बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूं है? क्या बात समझ में आई मैं क्या बोलना चाह रहा हूं एग्जैक्टली मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं बताइए, है ना? चलिए, तो मोदी गिलानी मिलर ने दो मॉडल्स दिए थे, एक था विदाउट टैक्स एंड एक था विद टैक्स। जो विदाउट टैक्स वाला था ये इररेलेवेंस थ्योरी में आता है, और जो विद टैक्स वाला था ये रेलेवेंस थ्योरी में आता है। समझा? चलिए, तो देखो सबसे पहली लाइन क्या लिखी है, बोलता है एमएम अप्रोच प्रोवाइड्स द बिहेवियरल या ऑपरेशनल जस्टिफिकेशन टू द कंक्लूजन ऑफ एनओआई अप्रोच। क्या झेपा कि नहीं झेपा मुझे बताइए फास्ट है? क्या बात समझ में आ रही कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूं? अच्छा बोलते चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते, सुनो ना माता, प्लीज प्लीज सुनो, बहुत मजा आएगा। अजम्पशंस बोलते हैं कि हमारा जो कैपिटल मार्केट्स है, जो स्टॉक मार्केट्स है, वो एकदम परफेक्ट है, मतलब सबके पास पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। का किसके बताइए? मार्केट्स की। और कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होते, जब हमें शेयर वेयर खरीदना है बेचना है तो कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट, कोई ब्रोकरेज फीस वगैरह कुछ नहीं होता। बोलते सारे इन्वेस्टर्स रैशनल है, मतलब क्या, हर एक व्यक्ति चाहेगा कि मैं मेरे पैसे पे कैसे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कमा सकता हूं। हर एक इन्वेस्टर रैशनल इन्वेस्टर होता है। नेक्स्ट अजम्पशन देखते हैं, बोलते हैं कि हम ये एमएम अप्रोच कब अप्लाई कर सकते हैं, जब जब फर्म्स जो है वो इक्विवेलेंट रिस्क क्लास की हो, या सेम रिस्क क्लास की हो, या होमोजीनियस रिस्क क्लास की हो, है ना? तो बोलते हैं फर्म्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू इक्विवेलेंट रिस्क क्लासेस। एंड चौथा है कि कॉरपोरेट टैक्सेस डू नॉट एग्जिस्ट। तो ये 1958 के लिए ही स्पेशली ये वाला अजम्पशन है कि हम 1958 वाले मॉडल में अज्यूम करते हैं कि कॉरपोरेट टैक्सेस होते ही नहीं है। क्या बात समझ में, क्या बोल रहा हूं? अच्छा, और एक चीज बोलते हैं ये एमएम अप्रोच वाला जो ये है, मतलब इनका जो ये है कंक्लूजन, ये किसको अप्लाई होगा? बोलते द प्रपोजिशन ऑफ एमएम अप्रोच अप्लाइज ओनली टू होमोजीनियस रिस्क क्लास कंपनी या इक्विवेलेंट रिस्क क्लास कंपनी। हम कब बोलते हैं कि दो कंपनी होमोजीनियस रिस्क क्लास की है? जब दोनों कंपनीज का KO सेम होता है एंड EBIT सेम होता है। तो ऑब्वियस सी बात है ना। अरे बेटा मुझे एक बात बताइए, अगर दोनों कंपनी का EBIT सेम है, दोनों का KO सेम है, तो वैल्यू ऑफ फर्म क्या होता है? EBIT अपॉन KO। तो दोनों का वैल्यू ऑफ फर्म भी तो सेम ही जाएगा, ठीक है? तो जो इक्विवेलेंट रिस्क क्लास की कंपनीज होती हैं उसमें ही ये अप्लाई होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे बेटा प्रपोजिशन ऑफ एमएम, मतलब एमएम ने क्या बोला, मोदी गिलानी मिलर ने बोला क्या विदाउट टैक्स वाले मॉडल में, ये हम देख रहे हैं। तो बोलते हैं इन्होंने तीन चीजें बोली, मोदी गिलानी मिलर ने तीन चीजें बोली। सबसे पहली चीज बोला इन्होंने कि चाहे लेवर्ड फर्म हो या अनलेवर्ड फर्म हो, वैल्यू ऑफ लेवर्ड फर्म शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड फर्म। और कैसे आएगा इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू आती है एनओआई अपॉन KO या EBIT अपॉन KO, है ना? क्या EBIT को ही मैं एनओआई बोलता हूं क्या? हाँ। तो बोला कि वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकालेंगे, बोलते हैं एनओआई अपॉन KO से वैल्यू ऑफ फर्म आता है। एंड बोलते हैं चाहे अनलेवर्ड फर्म हो चाहे लेवर्ड हो, दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, शुड बी इक्वल, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इन्होंने बोला कि हमेशा जो लेवर्ड फर्म का कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगा ना,
वो हमेशा ज्यादा होगा अनलेवर्ड फर्म के कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। है सर मतलब क्या? अरे जो लेवर्ड फर्म है उसमें डेट इन्वॉल्व है ना, डेट, डेट के वजह से फाइनेंशियल रिस्क बढ़ता है, तो हम ज्यादा कॉस्ट, हम ज्यादा कॉस्ट या ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे, है ना। यस हिमांशु करवाएंगे, ठीक है, जितना हो पाएगा करवाएंगे, ठीक है, चल ध्यान दीजिए आगे। तो बोलता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी इन लेवर्ड फर्म इज इक्वल टू ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्लस के ओ माइनस के डी इंटू डेट अपॉन वैल्यू ऑफ डेट अपॉन वैल्यू ऑफ इक्विटी। सर ये कैसे आया? ऐसे आया, ये घर पे जाके आप देख लेना इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और घर पे जाके आप देख लो। आपको ये डेरिवेशन कभी पूछा नहीं जाता, फाइनल फॉर्मूला ही याद रखना है ये वाला। तो इस डेरिवेशन से ये फॉर्मूला आता है ये वाला जो अभी हमने पढ़ा, कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ लेवर्ड कंपनी इज इक्वल टू ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्लस के ओ माइनस के डी इंटू डेट अपॉन इक्विटी, है ना, समझ में आ गया। चल तो ये दूसरी चीज बोली किसने? एमएम ने। एंड तीसरी चीज बोली विदाउट, ये कौन सा है? विदाउट टैक्स वाला है। तीसरी चीज इन्होंने बोली कि कैपिटल स्ट्रक्चर डज नॉट अफेक्ट के ओ और वैल्यू ऑफ फर्म। चाहे कैसा भी कैपिटल स्ट्रक्चर हो वो वैल्यू ऑफ फर्म को अफेक्ट नहीं करता है। क्या समझा गया? नेक्स्ट, अब बात आती है इसमें, अब बात आती है बेटा नेक्स्ट, इसमें क्या आता है बताइए। नेक्स्ट बात आती है आर्बिट्राज का मतलब क्या होता है, सुनने के बाद ध्यान से। तो हमारे क्लास में बेटा कौन, एक हर्षित करके बच्चा था, एक हर्षित करके बच्चा था हमारे क्लास में। हर्षित बेटा क्या करता है, ये ना इसको समोसे बड़े पसंद होते हैं, समोसे, क्या पसंद होते हैं? समोसे, है ना, तो समोसे बड़े पसंद होते हैं। तो ये एक बार ना मार्केट ए में जाता है समोसा खाने के लिए, और वहां पे समोसा इसे मिलता है बेटा 20 रुपए का एक प्लेट। वो खाता है मस्त चटनी लगा के, मजा आता है उसको। फिर कुछ दिनों बाद वो मार्केट बी में जाता है और वहां पे समोसे खाता है, तो वहां पे सिमिलर समोसे उसे मिलते हैं, पर अब मार्केट बी में 30 रुपए के मिल रहा है एक प्लेट समोसा। तो समोसा खाते खाते हर्षित को आता है आइडिया, अरे ये तो क्या जोरदार बात है, मैं एक काम करता हूं, जहां पे समोसा सस्ता है ना, जहां पे समोसा सस्ता है वहां से समोसा खरीदो, और इस समोसे को जाके जहां पे ये महंगा है वहां पे जाके बेच डालो। इसे बोलते हैं बैठे बैठे पैसा कमाना, इसे बोलते हैं आर्बिट्राज करना। तो जब सेम चीज की दो मार्केट में अलग अलग वैल्यू होती है, तो जहां पे चीज सस्ती है उसे खरीदो और जहां पे वो महंगा है वहां पे जाके बेच दो, तो बैठे बैठे 10 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। इसे बोलते हैं आर्बिट्राज करना। तो बोलते हैं चूंकि दोनों मार्केट के समोसे सेम थे इसीलिए दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए थी, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, इसीलिए आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है, कि जो अंडर वैल्यूड एसेट है उसे खरीदो और जो ओवर वैल्यूड एसेट है उसे बेचो। तो बोलता है नाउ हर्षित विल डू आर्बिट्राज, बाय समोसा इन मार्केट ए एंड सेल समोसा इन मार्केट बी। तो क्या हो जाएगा, आपको बैठे बैठे प्रॉफिट हो जाएगा। इसी प्रकार से, हाँ इसी प्रकार से बेटा क्या होता है कि देखो दो फर्म है, लीवर्ड फर्म एंड अनलीवर्ड फर्म, इन दोनों फर्म की वैल्यू सेम होनी चाहिए थी, बट अगर दोनों की वैल्यू सेम नहीं होती, अगर दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, तो फिर मार्केट में क्या होता है, सारे इन्वेस्टर्स आर्बिट्राज करना चालू कर देते हैं। बोलेंगे कि जो ओवर, जो अंडर वैल्यूड कंपनी है ना, जो सस्ती है कंपनी, उसका सिक्योरिटीज, उसका शेयर खरीदो, और जो महंगी कंपनी है, ओवर वैल्यूड कंपनी है, उसके शेयर सिक्योरिटीज को बेचो।
और ये करने के वजह से क्या होगा, अपने आप कुछ समय बाद दोनों कंपनी की वैल्यू वापस से इक्वल हो जाएगी। सर क्या बात कर रहे हैं है? तो देखो क्या बोल रहा हूं, वापस से सुनिए बात ध्यान से। क्या बोला एमएम अप्रोच ने कि देखो वैल्यू ऑफ लिवर्ड शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड, पर अगर ऐसा नहीं होता है, इफ दिस नॉट हैपेंस, इफ नॉट, अगर वैल्यू ऑफ लिवर्ड इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड, तो फिर क्या करेंगे? तो बोलते हैं फिर समझो अगर वैल्यू ऑफ लिवर्ड इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड, मतलब ये महंगा है, ये ओवर वैल्यूड है और ये अंडर वैल्यूड है, करेक्ट? यस और नो बताइए। तो एक काम करो, जो ओवर वैल्यूड कंपनी है इसके शेयर्स को बेचो और जो अंडर वैल्यूड कंपनी है इसके शेयर्स एंड सिक्योरिटीज को खरीदो। तो क्या होगा, मार्केट में इसका डिमांड बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू दी सप्लाई, एंड मार्केट में इसका धनाधन सब बे क्या कर रहे हैं, रुके रुके उल्टा लिखा, रुके रुके, जब हम इसको सेल कर रहे हैं तो क्या होगा बताइए, मार्केट में इसका क्या होगा बताइए, हम इसे सेल कर रहे हैं ना, तो मार्केट में इसका सप्लाई बढ़ेगा और डिमांड कम होगा, और इसमें क्या होगा, जिसको हम खरीद रहे हैं उसका मार्केट में डिमांड बढ़ेगा एंड सप्लाई कम होगा। तो धीरे धीरे क्या होगा बेटा, वैल्यू ऑफ लेवर्ड फर्म जो पहले बहुत ज्यादा थी वो धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएगी, और वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड फर्म जो पहले कम थी वो बढ़ना चालू हो जाएगी। ये कब तक चलते रहेगा, ये कब तक चलते रहेगा, जब तक दोनों की वैल्यू वापस से इक्वल ना हो जाए। यही था बेटा द ऑपरेशनल जस्टिफिकेशन ऑफ एमएम। एमएम ने बोला कि देखो हमारा वैल्यू ऑफ लेवर्ड शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो सब लोग मार्केट में आर्बिट्राज कर करके वापस से वैल्यू सेम ला लेंगे दोनों की। क्या जबरदस्त मजा आया कि नहीं बताइए फास्ट, है ना, जबरदस्त मजा आया कि नहीं बताइए फास्ट बेटा। ठीक है नेक्स्ट देखेंगे। यस तो ये बात हो गई। तो अब यहां पे आपको आर्बिट्राज प्रोसेस, अब सुनिए आर्बिट्राज प्रोसेस, आपके स्टडी मटेरियल में इसका पूरा, इसके क्वेश्चंस दिए हैं, 3-4 क्वेश्चन दिए इंस्टीट्यूट ने, इस पे आज तक सवाल आया नहीं है एग्जाम में, तो आपके एग्जाम में सवाल आने के चांसेस बढ़ जाते हैं अब, ठीक है, क्योंकि इतने अटेम्प्ट से आपके बुक में दिया हुआ है पर क्वेश्चन पूछा ही नहीं, तो आपके एग्जाम पे इसका क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात, चलो ध्यान दीजिए। हाँ अब ध्यान दीजिए जल्दी से, बस और हम ट्राई करेंगे बेटा कि 8 मैक्स टू मैक्स 7-8 तक हम खत्म कर दें, ठीक है, मैक्स, उससे ज्यादा नहीं जाएंगे। चलिए ओके, चलो आ जाओ, क्योंकि यार अब बताइए मेरा खुद का भी संडे यार, क्या कर रहे हैं, कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए। तो मैं चाहता हूँ कि आपके अच्छे मार्क्स आए, बस ये मैं चाहता हूँ, अब अच्छे मार्क्स लाइए और फिर मुझे बताइए। चलिए ध्यान दीजिए, तो अब जो है आर्बिट्राज प्रोसेस आपको सीखना सिखा रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे, ठीक है। हाँ तो अब बेटा देखेंगे जल्दी से, आ जाओ, तो आर्बिट्राज प्रोसेस पे क्वेश्चन आता है आपको ना, क्वेश्चन में इतना डेटा दिया रहता है, कितना, ये आपको क्वेश्चन में इतना डेटा दिया रहता है और आपको बोला रहता है कि शो आर्बिट्राज प्रोसेस, ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाता है, तो आपको पहले क्या करना पड़ता है, दो अनलिवर्ड और लिवर्ड कंपनी की वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी पड़ती है सबसे पहले, फिर चेक करना पड़ता है कि क्या लिवर्ड फर्म का वैल्यू ज्यादा है या अनलिवर्ड फर्म का वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि दोनों में बेटा प्रोसेस अलग अलग है, दोनों में जो है ना बेटा प्रोसेस अलग अलग है आर्बिट्राज का, थोड़ा सा ही प्रोसेस का चेंज है, ठीक है। तो पहले पहले हम ये वाला देखेंगे और फिर ये वाला देखेंगे, ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमारे क्वेश्चन में ये वाला सिचुएशन आ गया कि लेवर्ड फर्म की वैल्यू ज्यादा है अनलेवर्ड फर्म से, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर कैसे हम, हाँ फिर कैसे हम, क्या बताइए फिर कैसे हम आर्बिट्राज करेंगे, देखते हैं, ठीक है, चलो आ जाओ ध्यान देंगे। तो बोलते चलो, तो क्वेश्चन में आपको दिया, जैसे ईबीआईटी दिया है दोनों कंपनी का 50,000 50,000, ठीक है, इंटरेस्ट दिया है, अब अनलिवर्ड फर्म में इंटरेस्ट तो जीरो ही होगा, लेवर्ड में इंटरेस्ट आपको दिया है, समझो 1,00,000 का डेट है, 10% का इंटरेस्ट है,
तो 1 लाख × 10% किया तो आ जाता है आपका 10,000। 1 लाख क्या है आपका अमाउंट ऑफ डेट है, ठीक है, दिस इज द अमाउंट ऑफ डेट, ठीक है। अच्छा तो मेरा ईबीटी आ जाएगा, ईबीटी क्या है मेरा नेट इनकम, क्यों, क्योंकि बेटा हम ये विदाउट, हम ये चीज विदाउट टैक्स वाले में ही करते हैं, हम विथ टैक्स वाले में ये होता ही नहीं, ये विदाउट टैक्स वाले में ही होता है, समझा। अच्छा तो विदाउट टैक्स वाले में मैंने आपको जस्ट समझाया कि अब हम जब एनओआई में से इंटरेस्ट निकालते हैं तो डायरेक्टली हमें नेट इनकम मिलता है, जब टैक्स नहीं होता तब, ठीक है। तो नेट इनकम मिल गया मुझे कितना बताइए, नेट इनकम इज 50,000, यहां पे 40,000, इतनी बात समझ में आ रही है, यस। दोनों का के ई आपको क्वेश्चन में दिया है 20%, इसका भी के ई 20%। तो पहले आप निकालो वैल्यू ऑफ इक्विटी जो होता है एस, कैसे निकलेगा एस, मैं बोलूंगा नेट इनकम डिवाइडेड बाय के ई, तो यहां पे आ गया 2,50,000 रुपए, और यहां पे नेट इनकम डिवाइडेड बाय के ई 40,000/0.2 तो आ गया 2,00,000 रुपए। अब एस में मैं जब एड कर देता हूं वैल्यू ऑफ डेट, तो हमारे अनलेवर्ड फर्म में डेट की तो वैल्यू है ही नहीं, तो वो जीरो है, और लेवर्ड फर्म में बेटा डेट की वैल्यू कितनी है, 1,00,000 रुपए, क्वेश्चन में दिया ना 1,00,000 रुपए, अभी जस्ट बताया। तो हमारा देखो यहां पे क्या हो रहा है बेटा, देखेंगे प्लीज सुनो ना, कि लेवर्ड अनलेवर्ड फर्म की वैल्यू आ रही है 2,50,000 और लेवर्ड फर्म की वैल्यू आ रही है बेटा 3,00,000 रुपए, क्या यहां तक बात समझ में आ गई, पहले बताइए, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि आपको पहले ये निकालना पड़ेगा, फिर आपको लिखना पड़ेगा कि यर द वैल्यू ऑफ लेबर्ड फर्म इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ अनलेबर्ड फर्म, फिर आप लिखोगे बट एज पर एमएम अप्रोच इफ टू कंपनीज बिलोंग टू द सेम रिस्क क्लास देन द वैल्यू ऑफ बोथ द कंपनीज शुड हैव बीन सेम, बट ओवर यर द वैल्यू ऑफ लिवर्ड कंपनी इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड कंपनी, दस आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट, मतलब हम यहां पे आर्बिट्राज कर सकते हैं, इसका ये मतलब है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हम आर्बिट्राज करेंगे कैसे, तो देखो यहां पे हमारी जो लिवर्ड कंपनी है ये ओवर वैल्यूड है और अनलिवर्ड कंपनी हमारी अंडर वैल्यूड है, तो जो जो एक्सपेंसिव चीज होती है उसे बेचो, जो सस्ती चीज होती है उसे खरीदो। तो हमें अब क्या करना चाहिए, लिवर्ड कंपनी के शेयर्स सिक्योरिटीज बेच के अनलिवर्ड कंपनी में हमें शेयर्स खरीदने चाहिए, तो हम लिखेंगे आर्बिट्राज। अब देखो एग्जाम में ना आपको ये चीज नहीं लिखना है, ठीक है, एग्जाम में ये चीज नहीं लिखना है, आपको एग्जाम में ये टेबल बनाना है, आपको एग्जाम में ये टेबल बनाना है, एंड आपको इतना सा लिखना है, इसके बाद आप लिखेंगे हेडिंग डालेंगे आर्बिट्राज प्रोसेस, समझा। अब बेटा क्या होता है, अब देखो या तो ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में खुद ही मेंशन्ड हो कि यू ऑलरेडी हैव 20% शेयर ऑफ लीवर्ड कंपनी, ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा हो, तो आपको उसके हिसाब से चलना है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा मेंशन्ड नहीं है तो इंस्टीट्यूट सिर्फ ये देखना चाहता है कि आपको आर्बिट्राज करना आता है कि नहीं, तो हमें अजम्पशन लेना पड़ता है कि अज्यूमिंग जिस कंपनी के शेयर आपको बेचने हैं ना, क्या उस कंपनी के शेयर आपके पास होने चाहिए पहले से। अरे अगर शेयर्स आपके पास होंगे पहले से तभी तो उसे बेच पाओगे, तो जिस कंपनी के शेयर आपको बेचने हैं उसका हमें अजम्पशन देना पड़ता है कि अज्यूमिंग वी हैव 10% शेयर ऑफ लीवर्ड कंपनी, तो जिस कंपनी के शेयर आपको बेचने हैं उसका आपको अजम्पशन लेना पड़ता है कि अज्यूमिंग वी हैव 10% शेयर ऑफ लीवर्ड कंपनी, समझा। सर ये 10% ही क्यों लिया, क्या मैं 5% ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकते हो। सर क्या 20 ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकते हो। सर मैं क्या 26% ले सकता हूं, कुछ भी ले सकते हो। 10% लेते हो तो आसान हो जाता है कैलकुलेशन,
इसलिए 10% लिया है क्या जेपी के बाद? अच्छा, तो अगर मुझे बताइए, अगर मेरे पास लीवर्ड कंपनी के 10% शेयर है तो मैं क्या करना चाहता हूं अभी कि लीवर्ड कंपनी चूंकि यहां पे ओवर वैल्यूड है तो इसके जो शेयर पड़े हैं मेरे पास क्या उसे मुझे बेचना चाहिए? तो कितना कितने वैल्यू के शेयर हैं? मैंने बोला कि टोटल इक्विटी की वैल्यू है 2 लाख, इसके 10% शेयर मेरे पास है, मतलब मेरे पास 20,000 रुपए के शेयर है लीवर्ड कंपनी के। तो जब मैं ये 20,000 रुपए के शेयर बेचूंगा तो मुझे 20,000 रुपए मिलेंगे। बस तो वो लिखा है देखो कि दस फर्स्टली वी विल सेल दीज 10% शेयर एंड रिसीव कैश ऑफ 2 लाख इंटू 10% 20,000 रुपीज। क्या ये बात समझ में आई? तो हम यहाँ पे हाइपोथेटिकली इंस्टीट्यूट को समझा रहे हैं कि आर्बिट्राज कैसे होता है। तो हम बोलते हैं सुनो इंस्टीट्यूट सुनो, ऐसा अज्यूम करो कि मेरे पास लीवर्ड कंपनी के 10% शेयर ऑलरेडी पड़े हैं। क्यों लीवर्ड कंपनी के ही लिया? क्योंकि वो ओवर वैल्यूड चीज थी, उसके शेयर मुझे बेचने थे, इसलिए पहले मैंने अज्यूम किया कि उसके शेयर मेरे पास ऑलरेडी है। समझा गया? फिर मैंने बोला कि ये शेयर को बेच के मुझे 20,000 रुपए मिल गए। अब ये 20,000 रुपए से मैं अनलीवर्ड कंपनी के शेयर खरीद लेता हूं, ठीक है? पर अब मेरी बात सुनना ध्यान से, मेरी बात सुनना बेटा, प्लीज मेरी बात सुनना ध्यान से, ठीक है? देखो लीवर्ड कंपनी एंड अनलीवर्ड कंपनी, ठीक है? प्लीज मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, ठीक है? यही वाला मेन पॉइंट है। देखो लीवर्ड कंपनी में वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना है? 2.5 लाख रुपए। वैल्यू ऑफ डेट है 0, तो आपका टोटल वैल्यू ऑफ फर्म कितना है? 2.5 लाख। नहीं, ये अनलीवर्ड का है ना, चलो कोई बात नहीं, ये अनलीवर्ड का है, ठीक है, इसको लीवर्ड कर दो बस। और लीवर्ड कंपनी में हमारा क्या है? 2 लाख 1 लाख, ठीक है? तो ये है 2 लाख, ये है 1 लाख, तो हमारा आ गया 3 लाख। अभी जो मैं बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनिए। मैंने जब बोला कि मेरे पास लीवर्ड कंपनी के 10% के शेयर्स ऑलरेडी पड़े थे, मतलब कि मेरे पास लीवर्ड कंपनी में 10% की हिस्सेदारी थी, मैं ही तो शेयर होल्डर था 10% का। अरे जब ये कंपनी ने डेट इशू किया है 1 लाख रुपए का, जब ये कंपनी ने 1 लाख रुपए का डेट इशू किया है, क्या इसका 10% जितना रिस्क मैं उठा रहा हूं क्या मेरे इन कंधों पे? समझ में आ रहा है? जब लीवर्ड कंपनी ने 1 लाख रुपए का डेट इशू किया होगा तो क्या इस 1 लाख रुपए का जो रिस्क है वो क्या मैं उठा रहा हूं 10% जितना रिस्क मेरे इन कंधों पे? यस और नो बोलिए जल्दी से। हाँ, अब मैं अगर इसके शेयर बेच के 20,000 रुपए, सिर्फ ये वाला पैसा मैं यूज करके इसके शेयर खरीद लूं, तो अनलीवर्ड कंपनी का जब मैं शेयर होल्डर बनूंगा, जब मैं अनलीवर्ड कंपनी का शेयर होल्डर बनूंगा, तो यहां पे तो मेरे कंधों पे ये 10% वाला रिस्क है ही नहीं। और मैंने क्या बोला कि आर्बिट्राज करने के लिए सेम रिस्क होना चाहिए, सेम रिस्क क्लास की कंपनी होनी चाहिए। तो जब मेरे पास 20,000 रुपए के शेयर थे लीवर्ड के, तो मैं 10% का फाइनेंशियल रिस्क उठा रहा था, जो रिस्क अगर मैं ये सिर्फ 20,000 रुपए के शेयर्स यहां पे खरीदूंगा तो यहां पे तो कोई मेरे कंधों पे रिस्क है ही नहीं। क्या ये झेपरी क्या बात है? इसीलिए मुझे यहां पे बेटा, जब मैं पैसा इन्वेस्ट करूंगा अनलिवर्ड में, जब इसके शेयर खरीदने जाऊंगा, तो मैं और पर्सनल बोरोइंग करूंगा।
कितनी करूंगा पर्सनल बोरोइंग, जितना यहां पे था ना हमारा 1 लाख का 10%, तो टोटल डेट इंटू 10%, मैं 10,000 रुपए और उठाऊंगा मार्केट से, और मेरा अब कितने रिसोर्स मेरे पास कितना अवेलेबल होगा, द रिसोर्सेज अवेलेबल विथ मी या कैश अवेलेबल विथ मी कितना हो जाएगा बताइए फास्ट, 30,000 रुपए। अब जब बेटा, अब मैं जब ये 30,000 रुपए इस कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा तो क्या होगा, मेरे पास अनलिवर्ड कंपनी के शेयर भी होंगे, प्लस ये जो रिस्क था फाइनेंशियल रिस्क वो भी होगा मेरे पास 10,000 रुपए जितना, समझ मा रहे है? तो रिस्क मैच हो जाएगा, ये समझ मा रही बातें क्या बोल रहा हूं। ये कब करते हैं, ये वाला स्टेप हम कब करते हैं, जब हम लीवर्ड कंपनी का वैल्यू ज्यादा होता है, ये तभी होता है, दूसरे केस में ये चीज नहीं होती। ये झेपा कि नहीं झेपा मुझे बताइए, समझा कि नहीं ये चीज, ठीक है? तो रिस्क को मैच करने के लिए हमें पर्सनल बोरिंग करनी पड़ती है। अब बात आती है कि सर ये जो आपने पर्सनल बोरिंग की, ये कितने इंटरेस्ट रेट पे करोगे आप, तो बोलता है जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लीवर्ड कंपनी ने लोन बांटा है वही रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमारी ये बोरोइंग होंगी, मतलब इस पे भी मुझे इंटरेस्ट रेट कितना देना है, 10% का ही इंटरेस्ट रेट देना है, ठीक है बेटा? ये महज एक इत्तफाक है, ये महज एक इत्तफाक है कि हमारा 10% का शेयर भी है इसमें और इंटरेस्ट रेट भी 10% है, ये जरूरी नहीं कि हमेशा सेम हो, ठीक है? हाँ, तो इंटरेस्ट रेट कितना 10% हमें देना पड़ेगा, राइट? अच्छा, तो अब हमारे पास क्या हो गया, देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि इन ऑर्डर टू, हो गया अभी है ना, अभी हो गया, आप ध्यान दीजिए, इन ऑर्डर टू कीप द टोटल रिस्क सेम वी विल बोरो 10% ऑफ लीवर्ड कंपनीज डेट, मतलब क्या, पर्सनली बोरो करेंगे हम, लीवर्ड कंपनी का जो डेट है ना उसके 10% जितना पर्सनली बोरो करेंगे, इसे बोलते हैं बेटा, इस स्टेप को बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ, इस स्टेप को बेटा बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ कॉरपोरेट बोरोइंग टू पर्सनल बोरोइंग, समझ में आ रहा है? कन्वर्जन ऑफ कॉरपोरेट बोरोइंग टू पर्सनल बोरोइंग। एंड ये अब बच्चों को सवाल आ सकता है, सर अगर कंपनी को 10% इंटरेस्ट पे लोन मिला तो पर्सनल इंडिविजुअल व्यक्ति को सेम रेट पे लोन कैसे मिल सकता है, इसको भी 10% पे इंटरेस्ट कैसे मिला? तो ये है बेटा पांचवा अजम्पशन एमएम अप्रोच का, पढ़िए यहां पे क्या लिखा है जो मैंने पहले नहीं बताया आपको, देखो यहां पे क्या लिखा है, फिफ्थ अजम्पशन देखो क्या लिखा है, द कॉरपोरेट लीवरेज एंड पर्सनल लीवरेज आर सब्स्टिट्यूटेबल, मतलब कि जिस टर्म्स एंड कंडीशन पे, जिस इंटरेस्ट रेट पे एक कंपनी को लोन मिल सकता है उसी रेट पे इंडिविजुअल को भी लोन मिल सकता है, ये पांचवा अजम्पशन है। ये मजा आया कि नहीं सुन के बताइए फास्ट, समझा? ये पांचवा अजम्पशन है इसका, ठीक है? चलिए, तो इसलिए ये चीज करना पॉसिबल है यहां पे, क्योंकि ये अज्यूम करता है एमएम कि जिस टर्म्स एंड कंडीशन में कंपनी को लोन मिलता है उसी टर्म एंड कंडीशन में इंडिविजुअल को भी लोन मिल सकता है। क्या जेबी के बारे में क्या बोल रहा हूं, आगे नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, ठीक? तो अब और 10,000 रुपए आ जाएंगे, अब मेरे पास टोटल रिसोर्सेस कितने अवेलेबल है, 30,000 रुपए मेरे पास अवेलेबल है, ये सुनो आगे बढ़ेंगे। अब ये 30,000 रुपए का क्या करूं, तो देखो अब ये 30,000 रुपए को मेरे पास लीवर्ड कंपनी के 10% शेयर थे ना, तो अब ये 30,000 रुपए को यूज करके मैं अनलीवर्ड कंपनी का 10% खरीद लेता हूं। ये कंपनी क्या है, 2,50,000 रुपए के, इसका 10% खरीद लो तो 25,000 रुपए के शेयर खरीद लो, है ना? तो नाउ वी विल इन्वेस्ट द मनी अवेलेबल इन द अनलीवर्ड कंपनी, दैट इज 30,000। तो यहां पे इन्होंने क्या किया है, यहां पे इन्होंने पूरा पैसा डाल दिया है, तो ऐसा भी कर सकते हैं ना, इसके दो मेथड से मैं बताऊंगा, राइट?
तो जैसे मैंने जो अभी बोला, चलो ये देखते हैं, जो मैंने अभी बोला कि मेरे पास लीवर्ड के 10% पड़े थे ना, तो अनलीवर्ड के भी 10% ही खरीदो। तो अनलीवर्ड का 10% कितना होता है? बोला 2.5 लाख इंटू 10% 25,000 रुपए। तो हमारे पास टोटल कितना पैसा अवेलेबल था? 30,000। इसमें से 25,000 रुपए मैंने खर्चा कर दिए अनलीवर्ड कंपनी के शेयर्स खरीदने में। तो बैलेंस मेरे पास अब 5,000 रुपए बचे होंगे, पड़े होंगे जेब में। ठीक है, अब लिखेंगे स्टेप 4, कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न ड्यू टू आर्बिट्राज, कि आर्बिट्राज करने के वजह से हमें कितना रिटर्न हुआ। अब मैं क्या बोलूंगा, देखो मेरे पास अब अनलिवर्ड कंपनी का 10% की हिस्सेदारी है। मतलब अनलिवर्ड कंपनी जो भी पैसा कमाएगी उसका 10% मेरा है। तो 50,000 का 10% मेरा है 5,000, समझा। बट ये शेयर्स खरीदने के लिए मैंने बोरोविंग की थी 10,000 रुपए की, 10% के इंटरेस्ट रेट से। तो उस बोरोविंग पे मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन पर्सनल बोरोविंग 10,000 इंटू 10%, 1,000 रुपए। तो 4,000 रुपए मेरा बचेगा बेटा नेट रिटर्न आफ्टर आर्बिट्राज। अब चेक करते हैं कि जब मैंने आर्बिट्राज नहीं किया था तब मेरा रिटर्न क्या था। तो मैं बोलूंगा जब मैंने आर्बिट्राज नहीं किया था तब क्या हुआ, तब तो मेरे पास इस कंपनी के बस 10% शेयर पड़े हुए थे। मतलब कि इस कंपनी में जो हमारा ये जो नेट इनकम था इसके 10% का मालिक मैं था, क्योंकि मेरे पास इसके कोई डिबेंचर थोड़ी होता है, मेरे पास सिर्फ शेयर थे 10% के। तो जब मैंने आर्बिट्राज नहीं किया तब मेरे पास लीवर्ड कंपनी के क्या थे, 10% के शेयर थे। मतलब नेट इनकम जो शेयर होल्डर की इनकम होती है इसका 10% मेरा था। तो जब मैंने आर्बिट्राज नहीं किया था, बिफोर आर्बिट्राज द रिटर्न इन लीवर्ड कंपनी वॉज 40,000 इंटू 10%, 4,000। मतलब क्या है, मैंने जब आर्बिट्राज किया तो भी मेरा रिटर्न 4,000 है, जब आर्बिट्राज नहीं किया तो भी 4,000 है, लेकिन आर्बिट्राज जब किया तो 4,000 का रिटर्न तो मिला ही। अरे एक्स्ट्रा के 5,000 रुपए जेब में भी तो पड़े हैं। आर्बिट्राज करने के पहले सिर्फ 4,000 का रिटर्न था मेरे पास और कुछ नहीं था, आर्बिट्राज करने के बाद 4,000 का रिटर्न तो है ही और 5,000 रुपए जेब में पड़े हैं। क्या मजा आया कि नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं है? क्या मजा आएगी नहीं, बताइए फास्ट जल्दी से, क्या जोरदार बात है। तो बोलते हैं ड्यू टू आर्बिट्राज नाउ वी हैव एडिशनल कैश ऑफ 5,000 विद द सेम रिटर्न। तो यही तो आर्बिट्राज का प्रॉफिट है। ठीक है नेक्स्ट, अब ये एक तरीका था कि मैं 30,000 रुपये में से सिर्फ उतना ही इन्वेस्ट करूं जितना मेरे लिवर्ड कंपनी में था, उतना ही अनलिवर्ड में किया। अगर मैं पूरा ही 30,000 इन्वेस्ट कर देता तो स्टेप 3 हमारा अलग तरीके से भी कर सकते हैं। अगर मैं पूरा ही 30,000 रुपये इन्वेस्ट कर देता तो इसमें अनलिवर्ड में, तो देखो अगर मैं अनलिवर्ड में पूरा ही 30,000 डाल देता तो 2.5 लाख रुपए की पूरी कंपनी है, इसमें 30,000 के शेयर खरीद लूँ तो 30,000 अपॉन 2.5 लाख, 12% का मैं मालिक बन जाऊंगा। ठीक है, तो मैंने पूरे 30,000 डाल दिए तो मेरे पास अब बैलेंस कैश कुछ भी अवेलेबल नहीं है, 0 बचा है। अब स्टेप 4 देखो, बोलता है कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न ड्यू टू आर्बिट्राज। आर्बिट्राज करने के बाद अब इस मेथड में क्या है, यहां पे मैं अब 12% का मालिक हूं, किसका, अनलिवर्ड का। तो इसका जो इनकम है इसका 12% मेरा है, तो 50,000 इंटू 12% 6,000 की मेरी इनकम हुई। लेकिन आर्बिट्राज करने के लिए मैंने पर्सनल बोरिंग ली थी उस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो 1,000 रुपये इंटरेस्ट दिया तो नेट रिटर्न कितना बचा मेरा आफ्टर आर्बिट्राज, 5,000 रुपए। और बिफोर आर्बिट्राज, आर्बिट्राज करने के पहले मैं तो सिर्फ इसका 10% शेयर्स का मालिक था। तो पुरानी कंपनी में लीवर कंपनी में जो शेयर होल्डर की इनकम थी इसका 10% मेरा था। तो पुरानी कंपनी में हम सिर्फ 4,000 कमा पाते थे, तो आर्बिट्राज करने के वजह से हम 1,000 रुपए का एडिशनल रिटर्न कमा पाए। तो या तो मैं पूरा अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकता हूं, या तो मैं जितना
पुरानी कंपनी में शेयर था उतना ही शेयर इन्वेस्ट कर सकता हूं, दोनों में से कोई भी एक मेथड कर सकते हैं। तो बहुत बार क्वेश्चन में मेंशन होता है कि पूरा ही अमाउंट इन्वेस्ट कर दो नई कंपनी में, या तो क्वेश्चन में बोलेंगे, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है तो दोनों में से कोई भी एक मेथड आप कर सकते हो। क्या समझ में आ गया? आगे नेक्स्ट आगे देखेंगे, है ना सर? मजा आया और ये मजा मैं चाहता हूं कि पूरे सीए इंटर के बच्चों को मिले। चलिए नेक्स्ट जल्दी करेंगे, बस हो गया बड़ा, प्लीज ध्यान दीजिए, थोड़ा सा सुनो ना मेरी बातें, है थोड़ा सुनो, मजा आ रहा है ना, सुनिए ना प्लीज। चलो नेक्स्ट। अब अगर वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड ज्यादा होगा तो लेवर्ड से, थोड़ा सा 15-20 मिनट रुके सुनिए, अगर वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड, अगर वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड ज्यादा होगा लिवर्ड से तो क्या? तो अगेन क्वेश्चन आपको ऐसा दिया रहेगा, ये इलस्ट्रेशन 8 है, ये क्वेश्चन का डेटा दिया हुआ है। तो पहले आप क्या करो, अनलिवर्ड फर्म का वैल्यू निकालो। कैसे निकलेगा? मैं बोलूंगा NOI अपॉन 10%, तो कितना है 2 लाख। तो 2 लाख वैल्यू किसकी है? अनलेवर्ड फर्म की। और लेवर्ड फर्म की वैल्यू कैसे आएंगी? मैं बोलूंगा 20,000 रुपए, 20,000 रुपए ये है NOI, इसमें से पहले इंटरेस्ट माइनस करो। इंटरेस्ट कितना है? 1 लाख पे 7%, तो इंटरेस्ट 7,000 माइनस करो तो आपके पास बचेगा नेट इनकम 13,000, करेक्ट? तो बोलेंगे वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे आएगा? नेट इनकम अपॉन के ई, तो 13,000 अपॉन 18%, 18% कितना आएगा? कितना आएगा बेटा? ये आएगा 72,222। इसमें ऐड कर दो वैल्यू ऑफ डेट, वो तो ऑलरेडी दिया है 1 लाख, तो इसमें ऐड कर दो 1 लाख रुपए, तो आपका वैल्यू ऑफ लेबर्ड फर्म क्या आएगा? 1,72,222। तो अनलेवर्ड की वैल्यू आई 2 लाख, लेवर्ड की वैल्यू आई इतनी, मतलब क्या है? वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ लेवर्ड, समझा गया? तो अब हम फिर से पहले वैल्यू निकालेंगे दोनों कंपनी की, फिर हम बोलेंगे कि देखो देखो भैया देखो, एज पर MM अप्रोच, व्हेन टू कंपनीज बिलोंग टू सेम रिस्क क्लास, द वैल्यू ऑफ बोथ द कंपनीज शुड हैव बीन सेम, हाउएवर इन दिस क्वेश्चन वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ लिवर्ड, दैट इज वाई हियर आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट। खत्म, जेबा के बात है। फिर लिखेंगे आर्बिट्राज प्रोसेस। अब वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड हमारा ओवर वैल्यूड है एंड वैल्यू ऑफ लेवर्ड हमारा अंडर वैल्यूड है, समझ में आ रहा है? तो हम किसको यहां पे बेचेंगे? ओवर वैल्यूड कंपनी के शेयर को बेचेंगे। तो हमें अजम्पशन क्या लेना पड़ेगा? जो ओवर वैल्यूड कंपनी है ना उसमें हमारा शेयर है, ये अजम्पशन लेना पड़ेगा। तो ओवर वैल्यूड क्या है? अनलेवर्ड। तो लिखो सब स्टेप 1, अज्यूम यू हैव 10% शेयर ऑफ अंडर अनलिवर्ड कंपनी, क्योंकि वो ओवर वैल्यूड है इसीलिए। तो इसके अगर 10% शेयर है आपके पास, अनलेवर्ड के 10% शेयर है, मतलब क्या आपके पास 20,000 रुपए के शेयर है अनलिवर्ड के, तो इसको बेचो। तो बाय सेलिंग दीज शेयर्स वी विल ऑब्टेन 20,000 रुपीज। अब यहां पे आपको ये स्टेप नहीं करना पड़ता, क्योंकि जब मैं अनलीवर्ड से लीवर्ड में जा रहा हूं तो अनलीवर्ड के अंदर कोई अलग से फाइनेंशियल रिस्क तो था ही नहीं, समझा? तो इसमें मुझे अलग से पर्सनल बोरोइंग करने की जरूरत नहीं होती। अब मैं डायरेक्टली 20,000 रुपए का क्या करूंगा? 20,000 रुपए को यूज करके मैं अब लेवर्ड कंपनी का 10% खरीदूंगा। अब समझो बेटा बात को, अब जब मैं, सुनना बात ध्यान से, अब जब मैं अनलेवर्ड कंपनी से लेवर्ड कंपनी में जा रहा हूं तो मैंने इसके शेयर्स बेचे और इसके मैं शेयर्स खरीदूंगा, बट बेटा क्या ये दोनों का रिस्क सेम है क्या? मतलब कि अनलेवर्ड कंपनी में जो के ई है ना, ये इतना, ये क्या है, अनलेवर्ड कंपनी में जो के ई है ये क्या है बताइए फास्ट, के ई ये कम होगा, लेकिन यहां पे के ई आपका ज्यादा होगा, राइट? लेवर्ड कंपनी का के ई ज्यादा होगा, इसका के ई कम होगा।
इसको मैच करने के लिए, हमारा केई थोड़ा सा क्या करने के लिए, मैच करने के लिए हमें लीवर्ड कंपनी का डेट भी बाय करना पड़ेगा। तो इसमें ये एडिशनल स्टेप आता है। तो अब जो मेरे पास अनलेवर्ड कंपनी के शेयर्स बेच के जो मेरे पास पैसा आया, इसको यूज करके मैं पूरी लीवर्ड कंपनी का 10% खरीदूंगा। तो शेयर भी खरीदूंगा, डेट भी खरीदूंगा। झेपा का क्या बोल रहा हूं ऐसा? हाँ समझा गया बेटा, ध्यान देंगे। तो क्या लिखा है, तो अब मैं क्या करूंगा बेटा बोलो? तो अब मैं ये 20,000 रुपए यूज करके लीवर्ड कंपनी का पूरा 10%, मतलब क्या इक्विटी शेयर का भी 10% लूंगा, डेट का भी 10% लूंगा। तो इसका इक्विटी शेयर कितना है? 72,222। इसका भी 10% खरीदो, और इसके इसके जो डेट है 1,00,000 रुपए डेट, डेट का भी 10% खरीदो। समझा गया? तो ये लूंगा दोनों का 10-10%। तो 17,222 हम इन्वेस्ट कर देंगे किसमें? लीवर्ड कंपनी में। तो मेरे पास बैलेंस कितना पैसा बचेगा? बैलेंस बचेगा 2,778। फिर हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल रिटर्न ड्यू टू आर्बिट्राज। बोलते हैं आर्बिट्राज करने के बाद मैंने कितना रिटर्न कमाया? तो देखो, आर्बिट्राज करने के बाद मैं लेवर्ड कंपनी के 10% का मालिक बन चुका हूं। लीवर्ड कंपनी में एनओआई हमारा था 20,000, इसमें इंटरेस्ट था हमारा 7,000, और हमारा नेट इनकम था 13,000 रुपए। करेक्ट। मेरे पास 10% शेयर भी है इसके, एंड 10% का डेट भी है मेरे पास। तो इंटरेस्ट का भी 10% मेरा है आर्बिट्राज के बाद, 13,000 का भी 10% मेरा है, क्योंकि मैं शेयर होल्डर भी हूं, डेट होल्डर भी हूं लीवर्ड में। इसीलिए तो रिटर्न में देखो, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर 13,000 का 10% प्लस रिटर्न ऑन डेट, रिटर्न ऑन डेट मतलब क्या, जो 7,000 इंटरेस्ट था इसका भी 10% मेरा है। तो 1300 प्लस 700 2,000 का रिटर्न मेरे पास होगा आफ्टर आर्बिट्राज। और बिफोर आर्बिट्राज क्या था बताओ? बिफोर आर्बिट्राज मैं अनलिवर्ड कंपनी का 10% का मालिक था। अनलिवर्ड कंपनी टोटल में 20,000 कमाती थी, तो इसका 10% मेरा था, मतलब 2,000 रुपए मेरे थे। समझ में आ रहा है? तो क्या बताइए, तो बिफोर आर्बिट्राज रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर्स ऑफ अनलिवर्ड इज क्या बताइए? 2,000। तो आर्बिट्राज करने के वजह से हमारा रिटर्न सेम है, लेकिन एक्स्ट्रा के ये रुपए भी तो पड़े हैं। आर्बिट्राज करने के पहले मैं सिर्फ 2,000 का रिटर्न कमाता था, लेकिन आर्बिट्राज करने के बाद मैं 2,000 का तो रिटर्न कमाता ही हूं, प्लस मेरे पास इतने रुपए कैश में पड़े हैं जेब के अंदर। बेटा मुझे बताइए, सच सच मुझे बताना, क्या जबरदस्त आर्बिट्राज समझ में आया है या नहीं? ठीक है, चलिए क्या बात समझ में आ, मैं क्या बोल रहा हूं, क्या बात समझ में आ रही है? यस। अच्छा, जैसे यहां पे मैंने 10% अनलिवर्ड में थे, और मैंने लीवर्ड में भी 10% ही खरीदे, तो ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या था मेरे पास? मैं चाहता तो ये पूरा 20,000 रुपए मैं इन्वेस्ट कर सकता था लीवर्ड कंपनी में। समझा? पूरा 10,000 रुपए मैं लीवर्ड कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता था, पूरा 20,000 रुपए। तो कैसे इन्वेस्ट करता पूरा 20,000? तो बोलते हैं इन केस व्हेन अनलिवर्ड इज ग्रेटर देन लिवर्ड, यू कैन ऑल्सो इन्वेस्ट द होल अमाउंट अक्वायर्ड फ्रॉम सेलिंग शेयर्स ऑफ अनलिवर्ड कंपनी। इसमें हम क्या करते हैं, इन द डेट एंड इक्विटी ऑफ लिवर्ड कंपनी एज पर द डेट इक्विटी रेशियो ऑफ लिवर्ड कंपनी। मतलब क्या? मतलब अगर मैं चाहता तो ये 20,000 रुपए मैं इस रेशियो में, मैं 20,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकता था डेट में। डेट में कितना करता? तो बोलते हैं 1,00,000 upon 1.722 lakhs, और इक्विटी में कितना पैसा इन्वेस्ट करता? 20,000 into 72,222 upon 1.722 lakhs। तो हम इस डेट इक्विटी के रेशियो में इन्वेस्ट करते, अगर पूरा अमाउंट हमें इन्वेस्ट करना होता तो। और फिर हम वैसे ही निकालते कैलकुलेशन ऑफ आर्बिट्राज, रिटर्न ऑन आर्बिट्राज। बस क्या बात समझ में आ रही, बताइए फास्ट। सर ऑनेस्टली सर समझ में आ गया है बोल रहे हैं, ऑनेस्टली समझ में आ गया, क्या बात है, अमेजिंग। तो बोलते हैं द बिहेवियरल जस्टिफिकेशन विच एमएम प्रोवाइडेड, वो यही था
कि अगर वैल्यू ऑफ फर्म इक्वल नहीं हुई तो आर्बिट्राज के प्रोसेस के वजह से एंड सब्स्टिट्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट लिवरेज एंड पर्सनल लिवरेज के वजह से हमारा वैल्यू ऑफ फर्म वापस से इक्वल हो जाता है। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट। फिर आता है बात विथ टैक्स वाला मॉडल, और इंस्टीट्यूट आजकल इसके सवाल काफी बार पूछ रहा है, ये पहले भी एग्जाम में आया हुआ है, इसका न्यू क्वेश्चन भी ऐड किया है इंस्टीट्यूट ने। मैंने एफएम न्यू क्वेश्चंस में लिया हुआ है इस चीज को, मैंने एफएम न्यू क्वेश्चन की सीरीज ली थी उसमें लिया है। तो एमएम अप्रोच विद टैक्स वाला क्या बोलता है, आप सुनना मत, ध्यान से सुनेंगे, बात जल्दी जल्दी सुनेंगे प्लीज, बस थोड़ा सा बचा बेटा, आखिरी के 5-6 पेज बचे, प्लीज सुनिए ना, सुनिए। यस, तो मैं क्या बोल रहा हूं प्लीज सुनिए बात ध्यान से। एमएम अप्रोच विद टैक्स वाला बोलता है, देखो सुनिए ठीक है, बोलता है कि वैल्यू ऑफ लेबर्ड फर्म हमेशा ज्यादा होगा अनलेबर्ड से। ये बोलता है एमएम अप्रोच विद टैक्स। एमएम अप्रोच को समझा कि यार हमसे गलती हो गई, टैक्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अरे मुझे एक बात बताओ, जो लीवर्ड कंपनी है अगर ये डेट इशू कर रही है तो भैया इसको जो है टैक्स शील्ड ऑन इंटरेस्ट का भी तो बेनिफिट मिलता है हर साल, इसे टैक्स शील्ड ऑन इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है हर साल, और ये जो बेनिफिट है ये अनलीवर्ड फर्म को तो मिल ही नहीं सकता। अरे भैया तो हमेशा लीवर्ड कंपनी के वैल्यू ज्यादा होने चाहिए अनलीवर्ड से, क्योंकि लीवर्ड कंपनी को टैक्स शील्ड ऑन इंटरेस्ट ऑन डेट का बेनिफिट मिलता है जो अनलीवर्ड को नहीं मिलता। तो इसके लिए इन्होंने बोला कि वैल्यू ऑफ लीवर्ड कंपनी इज वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड कंपनी प्लस टैक्स एडवांटेज। तो टैक्स एडवांटेज कैसे आता है, बोलते हैं वैल्यू ऑफ लीवर्ड कंपनी इज वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड प्लस डेट इनटू टैक्स रेट। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे नेक्स्ट, फिर बात करते हैं, जब भी आपको एमएम अप्रोच विद टैक्स का क्वेश्चन आए तो एग्जैक्टली इलस्ट्रेशन 10 है, ये स्टेप्स फॉलो करना, पूरा आंसर सॉल्व हो जाएगा। क्या बोल रहा हूं मैं, अगर एमएम अप्रोच विद टैक्स का क्वेश्चन आता है तो ये स्टेप्स फॉलो करना, पूरा आंसर आ जाएगा। पहला स्टेप क्या करेंगे, अनलीवर्ड कंपनी का वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे अनलीवर्ड वैल्यू का, कंपनी अनलीवर्ड कंपनी का वैल्यू कैसे निकालोगे, बोलेंगे एनओआई इंटू 1 माइनस टैक्स अपॉन केओ। क्यों, क्योंकि देखो अगर आप इसमें एनओआई माइनस इंटरेस्ट करते और इंटू 1 माइनस टैक्स करते तो यहां पे ये तो जीरो ही है वैसे भी, क्योंकि अनलीवर्ड कंपनी है ना, तो डायरेक्टली इसको अपॉन केओ कर दो, मतलब ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टैक्स अपॉन केओ करोगे तो अनलीवर्ड कंपनी की वैल्यू आ जाएंगे। समझ में आ गया। फिर आप सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, टैक्स एडवांटेज की वैल्यू निकालेंगे। कैसे आता है, टोटल डेट का अमाउंट इंटू टैक्स रेट, मतलब लीवर्ड कंपनी में जितना डेट है ना, टोटल डेट का अमाउंट इंटू टैक्स रेट कर देना, और फिर स्टेप 3 में वैल्यू ऑफ लीवर्ड कंपनी आ जाएंगी, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड प्लस टैक्स एडवांटेज, तो आपका आ जाएगा वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म। फिर क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि भैया ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो लीवर्ड कंपनी का, तो कैसे निकालोगे, तो बोलते देखो क्या लीवर्ड कंपनी की वैल्यू क्या है, ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टैक्स रेट अपॉन केओ, क्योंकि ओवरऑल लेवल पे निकालना है, तो केओ ऑफ लीवर्ड कंपनी क्या होगा, ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टैक्स अपॉन वैल्यू ऑफ लीवर्ड कंपनी जो यहां पे आपने निकाली थी वो। झेपा का क्या बोल रहा हूं, नेक्स्ट बोलते हैं स्टेप 5 में क्या करोगे, आपको के ई निकालने बोलेंगे लीवर्ड कंपनी का। कैसे निकलेगा, बोलते हैं कि नेट इनकम अपॉन वैल्यू ऑफ इक्विटी। मतलब क्या, देखो हमारा वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालो पहले। कैसे बोलेंगे, देखो आपने वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म निकाला ना, तो वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म में से ये डेट की वैल्यू माइनस कर दो तो आपको मिल जाएगा वैल्यू ऑफ इक्विटी। समझा क्या, फिर क्या आपको पता है कि अगर मैं नेट इनकम को डिवाइड करता हूं के ई से तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आता है, ये आप सबको पता है। यस, तो नेट इनकम कैसे आते हैं बताओ, तो मैं बोलूंगा ईबीआईटी या एनओआई माइनस इंटरेस्ट, तो आ जाएगा आपका पीबीटी माइनस टैक्स, तो फिर आपका आएगा नेट इनकम, मतलब जो पैट होता है वो। तो अगर मैं पैट को डिवाइड कर दूं के ई से तो मुझे मिलता है वैल्यू ऑफ इक्विटी,
तो अगर मुझे के ई निकालना है लीवर्ड कंपनी का, तो पैट को डिवाइड कर दो वैल्यू ऑफ इक्विटी से, तो के ई आ जाएगा। ये पांच स्टेप्स बेटा याद कर लो, ये पांच स्टेप्स से 100% कोई भी आपका एमएम अप्रोच विद टैक्स वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या बात समझ आ रही है, मैं क्या बोल रहा हूं? यस, क्या बात समझ आ रही है? यस, क्या बात समझ आ रही है? मुझे बताइए फास्ट। ठीक है, नेक्स्ट। फिर इसके बाद देखेंगे। नेक्स्ट आता है बेटा ट्रेड ऑफ थ्योरी। ठीक है, देखेंगे एक बार कितने बेच बचे। एक बार देखो 69 पे हमें 74 तक जाना है। देखेंगे ट्रेड ऑफ थ्योरी। अब ट्रेड ऑफ थ्योरी बोलता है कि देखो यार, ये सब बातें सही हैं। ट्रेड ऑफ थ्योरी बोलता है कि यार देखो, हम मानते हैं कि वैल्यू ऑफ लिवर्ड कंपनी वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड से ज्यादा होगी। अरे हमें पता है कि वैल्यू ऑफ लिवर्ड कंपनी क्या है, वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड प्लस टैक्स एडवांटेज। क्यों टैक्स एडवांटेज? अरे क्योंकि इन्होंने डेट इशू किया ना, लिवर्ड वालों ने डेट इशू किया है, तो डेट इशू करने के वजह से टैक्स सेविंग होगा इंटरेस्ट पे, टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट, उसके वजह से इसकी वैल्यू ज्यादा आएंगी। अरे लेकिन अगर तुमने डेट ज्यादा इशू किया है तो क्या फ्यूचर में बैंकरप्सी होने के चांसेस है क्या? पक्का होगा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन क्या बैंकरप्सी, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस आने के कुछ चांस है? हाँ, तो वो भी तो कंसिडर करो। तो ट्रेड ऑफ थ्योरी बोलता है कि एमएम अप्रोच विद टैक्स में आपने तो सिर्फ डेट होने के बेनिफिट को कंसिडर किया। अरे डेट के बेनिफिट, डेट होने का बेनिफिट क्या है? आपका टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट। लेकिन डेट होने से आपको कुछ कॉस्ट भी तो आ सकता है फ्यूचर में। क्या कॉस्ट आ सकता है? कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। क्या पता फ्यूचर में अगर आप इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं कर पाए तो, प्रिंसिपल रिपे नहीं कर पाए तो बैंकरप्सी का खर्चा आपको उठाना पड़ सकता है, तो वो भी तो कंसिडर करो इसमें। तो बोलते हैं ट्रेड ऑफ थ्योरी के हिसाब से वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म प्लस टैक्स एडवांटेज माइनस कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। क्या जेबी की बातें, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? क्या बात समझ मारी क्या, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं बेटा, बताइए। तो देखो ट्रेड ऑफ थ्योरी बोलता है वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म इज वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड प्लस टैक्स एडवांटेज माइनस कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। अरे डेट लेने से फ्यूचर में बैंकरप्सी का भी तो खतरा हो सकता है, जैसे लीगल फीस, अनफेवरेबल टर्म्स गिवन बाय क्रेडिटर्स। जब आप पैसा पे कर, जब ऐसा पता चलता ना मार्केट में कि ये कंपनी इंटरेस्ट रिपे नहीं कर पा रही है, डेट रिपे नहीं कर पा रही है, तो आपके जो क्रेडिटर्स है ना, वो भी हाथ ऊंचे कर लेते हैं, बोलते यार इस कंपनी को ज्यादा अच्छे क्रेडिट टर्म मत देना, इनको ज्यादा दिन के लिए उधार पे पैसा मत देना, तो ये भी तो खर्चा है, तो आपको अनफेवरेबल टर्म्स पे क्रेडिट मिलेगा, ये भी तो कॉस्ट है। समझ मारे आगे? तो बोलते हैं कि देखो वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म, देखो क्या है यहाँ पे, ये है वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म, और एमएम मॉडल विद टैक्स के हिसाब से क्या है, बोलते हैं जितना ज्यादा आप डेट बढ़ाओगे ना, वैसे वैसे आपका लिवर्ड फर्म की वैल्यू बढ़ते जाती है, ऐसा एमएम अप्रोच विद टैक्स बोलता है। लेकिन ट्रेड ऑफ थ्योरी वाले बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे आप डेट बढ़ाते हैं आपके कंपनी में, तो वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म एक लेवल तक बढ़ता है, लेकिन जब बहुत ज्यादा डेट आ जाता है ना कंपनी में, तो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस होने के चांसेस हैं, तो वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म फिर गिरना भी चालू हो सकता है। तो ये इसका एक डायग्राम बनता है, ये डायग्राम पे नहीं पूछेगा क्वेश्चन, ये आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो बोलते हैं एज लीवरेज इंक्रीजेस देर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन द टैक्स शील्ड ऑफ इंटरेस्ट एंड द बैंकरप्सी कॉस्ट। ये इसका लॉजिक है। नेक्स्ट आता है बेटा पैकिंग ऑर्डर थ्योरी, देखेंगे जल्दी से। हाँ, नेक्स्ट क्या बताइए, पैकिंग ऑर्डर थ्योरी। पैकिंग ऑर्डर थ्योरी बोलते देखो, अगर आपके घर पे कभी, जैसे आपके घर पे नहीं, चलो आपके घर नहीं लेता हूँ, किसी का लेता हूँ, चलो मिस्टर एक्स, तो हमको मजा आएगा, है ना। मिस्टर एक्स के घर पे बेटा पैसों की तंगी है, पैसों की तंगी है, तंगी मतलब कमी है पैसों की, तो एक्स के घर पे पैसों की तंगी है, तो हम हमेशा क्या चाहेंगे कि बाहर वालों को हमारे बारे में कम से कम पता चले, है ना, हम हमेशा ऐसे ही चाहेंगे।
तो सबसे पहले मिस्टर एक्स ट्राई करेगा कि यार अगर कुछ पुरानी सेविंग पड़ी होंगी ना, पुरानी सेविंग पड़ी होगी तो वो सेविंग वाला पैसा यूज कर लेते हैं, उससे हमारा घर चला लेते हैं। समझो कि पुरानी सेविंग भी खत्म हो जाती है मिस्टर एक्स की। तो फिर मिस्टर एक्स बोलता है चलो एक काम करते हैं, हम बैंक वगैरह से पर्सनल लोन वगैरह लेना चालू कर देते हैं, मतलब लोगों से उधारी लेना चालू कर देते हैं, उधारी लेके इंटरेस्ट वगैरह देंगे पर उधारी लेके काम चला लेंगे। बट समझो कि कोई उधार देने को भी तैयार नहीं है, तो मिस्टर एक्स के फाइनली क्या बचेगा? अरे हमारा घर ही गिरवी रख लो, हमारे घर में हिस्सेदारी रख लो आप, हैं? हमारा घर गिरवी रख लो, ज्वेलरी गिरवी रख लो, और इसको गिरवी रख के हमें कुछ पैसा दे दो। समझ रहे बात को? यही है पैकिंग ऑर्डर थियरी। बोलता है हमेशा एक फाइनेंस मैनेजर, बोलता है हमेशा एक फाइनेंस मैनेजर क्या करता है, इस प्रकार से वो कैपिटल स्ट्रक्चर के डिसीजंस लेगा जिससे बाहर वालों को कम से कम इंफॉर्मेशन पता चले हमारी कंपनी के बारे में। बोलता है कि जब हमारी कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ती है तो हम सबसे पहले रिटेन्ड अर्निंग वाला पैसा यूज करेंगे, क्योंकि अगर हम रिटेन्ड अर्निंग वाला पैसा यूज करते हैं तो बाहर वालों को पता थोड़ी ना चलेगा कि हम हमारा ही पैसा यूज कर रहे हैं। लेकिन जब रिटेन अर्निंग वाला पैसा भी खत्म हो जाता है तो फिर हम जाके बैंक वगैरह से लोन वगैरह ले लेते हैं, डेट वगैरह ले लेते हैं। तो सेकंड प्रायोरिटी हम देते हैं डेट की। लेकिन जब डेट भी नहीं मिल पाता बिजनेस चलाने के लिए तो फाइनली हमें फिर इक्विटी शेयर्स इशू करने पड़ते हैं। मुझे बताइए बेटा, ये सबसे बुरा इंडिकेटर इंडिकेशन देता है बाहर वालों को जब आप शेयर्स इशू करते हैं। क्यों? क्योंकि समझो अगर आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें आपको प्रॉफिट होना निश्चित है, प्रॉफिट होगा छोंगा, तो क्या आप ऐसे बिजनेस के किसी को शेयर बांटेंगे क्या? नहीं बांटेंगे। तो बोलता है कि देखो अ मैनेजर विल ऑलवेज प्रेफर टू गिव प्रायोरिटी टू दोज सोर्सेस ऑफ फाइनेंस विच रिवील लीस्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन टू अदर्स। ये समझ में आ रहा है? तो बोलते हैं जब हम डेट इशू करते हैं ना, ये बाहर वालों को एक पॉजिटिव सिग्नल जाता है कि ये कंपनी डेट ले रही, ओहो मतलब फ्यूचर में इनकी इनकम होंगी अच्छी, तभी तो इतना लोन उठा रही है। लेकिन जब आप इक्विटी इशू करते हैं, है ना, इट इज इक्विटी इज इशूड व्हेन कंपनी इज डाउटफुल अबाउट द फ्यूचर अर्निंग एंड रिटेन अर्निंग्स आर इनसफिशियंट, है ना। तो देखो पैकिंग ऑर्डर थ्योरी के हिसाब से हम हमेशा जब भी हमको पैसों की जरूरत पड़ती है तो हम पहला प्रेफरेंस इंटरनल फाइनेंसिंग या रिटेन अर्निंग को देते हैं, देन सेकंड प्रेफरेंस देते हैं बेटा हम डेट को, एंड थर्ड प्रेफरेंस देते हैं इक्विटी शेयर्स को जो लास्ट ऑप्शन होता है। देन बेटा आपको इसमें जो है अलग अलग ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का आता है कि ईबीआईटी, ईबीट, ईपीएस, एमपीएस एनालिसिस। आपको ना बेटा क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आपको कुछ पैसों की जरूरत है, 50 लाख रुपए की जरूरत है। अब ये 50 लाख रुपए आप 3 तरीके से इशू कर सकते हैं। पहले केस में आप सिर्फ इक्विटी इशू कर रहे हैं, दूसरे में इक्विटी भी इशू कर रहे हैं, डेट भी इशू कर रहे हैं, एंड तीसरे केस में इक्विटी, डेट एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी इशू कर रहे हैं। तो इसमें से कौन सा ऑल्टरनेटिव आपको चूज करना चाहिए ये बताओ। तो हम क्या करते हैं, हम तीनों केसेस में ईपीएस निकालते हैं, और जहां पे ईपीएस हाईएस्ट होता है वो वाला हम ऑल्टरनेटिव चुन लेते हैं। पर अगर बेटा क्वेश्चन में पीई रेशियो दिया हो, अगर क्वेश्चन में पीई रेशियो प्राइस अर्निंग रेशियो दिया हो, तो क्या करना, आप सारे ऑप्शंस का पहले ईपीएस निकालना और फिर हर ऑप्शन के ईपीएस को पीई रेशियो से मल्टीप्लाई करना और फिर निकालना एमपीएस और फिर इसको कंपेयर करना, फिर इसको कंपेयर करना। तो अगर तीनों ऑप्शंस में जहां पे एमपीएस सबसे ज्यादा आएगा उस वो वाला फाइनेंसिंग का ऑप्शन आपको चुनना चाहिए। तो वो ये वाला मेथड है। नेक्स्ट है इन डिफरेंस पॉइंट, ये भी जबरदस्त है। बोलता है इन डिफरेंस पॉइंट इज अ लेवल ऑफ ईबीआईटी वेयर ईपीएस इज सेम। तो हमने बोला कि देखो यहां पे जैसे हमारे पास ये तीन ऑल्टरनेटिव है, ठीक है, हमारे पास ये तीन ऑल्टरनेटिव है, ठीक है, पैसा पैसों को रेज करने के लिए। अब इन डिफरेंस पॉइंट क्या बताता है बेटा, कि ऐसा कौन सा ईबीआईटी का लेवल है जहां पे
इसका ईपीएस और इसका ईपीएस सेम आ जाए, समझा? तो इन डिफरेंस पॉइंट क्या है, एक ऐसा लेवल ऑफ ईबीआईटी जहां पे दो अल्टरनेटिव फाइनेंसिंग ऑप्शंस का ईपीएस हमारा सेम आ जाए, समझ में आ रहा है? वो है इन डिफरेंस पॉइंट। तो इसका फॉर्मूला क्या है, देखो देखो सुनो बात, मैंने अगर पीबीआईटी में से इंटरेस्ट को माइनस करता हूं तो मिलता है पीबीटी, इसमें से जब मैं टैक्स माइनस करता हूं तो मिलता है पीएटी, इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करता हूं तो मिलता है ईएफईएस, और जब मैं ईएफईएस को डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से तो मुझे मिल जाएगा अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर निकालने का फॉर्मूला क्या है बताओ, तो इसका फॉर्मूला है ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, मतलब मैं कहां आ गया, मैं पीबीटी पे आ चुका हूं, इसको मल्टीप्लाई करो 1 माइनस टैक्स से, मतलब मैं पीएटी पे आ चुका हूं। अब इसमें से माइनस करो प्रेफरेंस डिविडेंड, मतलब मैं ईएफईएस पे आ चुका हूं, और अब इसको डिवाइड करो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। तो आप दोनों अल्टरनेटिव में क्या लेते हैं, ईबीआईटी की वैल्यू डालते नहीं है ना, आप इसी को इक्वेट करते हैं। आप क्या करते हैं, दो अल्टरनेटिव होते हैं ना आपके, आपको दो अल्टरनेटिव का क्या निकालना है, ईबीआईटी का लेवल निकालना है जिसपे दोनों का ईपीएस इक्वल आए। तो ईबीआईटी के वैल्यू को इनपुट मत करना, दोनों का अलग अलग इंटरेस्ट इनपुट करो, दोनों का टैक्स रेट इनपुट करो, दोनों का प्रेफरेंस डिविडेंड इनपुट करो, दोनों के नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इनपुट करो, तो अपने आप एक ऐसी ईबीआईटी का वैल्यू मिल जाएगा जहां पे दोनों अल्टरनेटिव का ईपीएस आपका सेम आ जाता है। क्या पॉइंट समझा? यस। नेक्स्ट है फाइनेंशियल बीपी। फाइनेंशियल बीपी होता है बेटा अ लेवल ऑफ ई फाइनेंशियल बीपी, बोलता है अ लेवल ऑफ ईबीआईटी। क्या लेवल ऑफ ईबीआईटी होना चाहिए, एट विच ईपीएस इज इक्वल टू जीरो। तो व्हाट इज द लेवल ऑफ ईबीआईटी जिस पे ईपीएस की वैल्यू जीरो आती है, इसे बोलते हैं फाइनेंशियल बीपी। इसमें एक शॉर्टकट बता रहा हूं, जब क्वेश्चन में बेटा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं दिया है, जब क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं दिया है तो आपका फाइनेंशियल बीपी होता है ईबीआईटी इज इक्वल टू इंटरेस्ट, मतलब कि जितना आपका इंटरेस्ट का वैल्यू होगा वही आपका फाइनेंशियल बीपी का वैल्यू होगा, मतलब वो एक ऐसा लेवल ऑफ ईबीआईटी है जहां पे ईपीएस जीरो आएगा। मतलब कि समझो आपका इंटरेस्ट का वैल्यू है 50,000 रुपए, है ना, तो ऐसा कौन सा ईबीआईटी है जहां पे ईपीएस जीरो आएगा, बोलते हैं कि अगर ईबीआईटी भी 50,000 हो गया तो इसमें से इंटरेस्ट माइनस करूंगा जब 50,000 का तो जीरो आ जाएगा पीबीटी, और आगे जाके ईपीएस भी तो जीरो ही आएगा। तो जब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं होता क्वेश्चन में तो फाइनेंशियल बीपी होता है इक्वल टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का अमाउंट। क्या बात समझ में आ गई, मैं क्या बोल रहा हूं, यस उन्होंने बताई, यस। एंड फाइनली बेटा ओवर कैपिटलाइजेशन अंडर कैपिटलाइजेशन आखिरी पॉइंट से। ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या है कि हमें जितने पैसों की जरूरत थी, है ना, देखो इट इज अ सिचुएशन वेयर अ फर्म हैज मोर कैपिटल देन इट नीड्स और द एसेट्स आर वर्थ लेस देन द इशूड शेयर कैपिटल, मतलब जब हमारा कैपिटल इरोड हो जाता है या जितनी जरूरत है कैपिटल की उससे ज्यादा का कैपिटल हमारे पास है, इसे बोलते हैं ओवर कैपिटलाइजेशन। एंड अंडर कैपिटलाइजेशन क्या होता है कि जितनी जरूरत है पैसों की उससे कम कैपिटल है हमारे पास, समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल बेटा कि आप जो है प्रॉफिट कमाते हैं, आप जो है प्रॉफिट कमाते हैं बेटा कितना, आप प्रॉफिट कमाते हैं 2,00,000 रुपए का। आपके इंडस्ट्री में जनरली प्रॉफिट का रेट होता है 10%, मतलब क्या कि 2,00,000 रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए आपके पास टोटल कैपिटल होना चाहिए 20,00,000 रुपए का, यस और नो? तो ये हो गया आपका प्रॉपर कैपिटलाइजेशन कि आपके इंडस्ट्री में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है 10%, ठीक है, और आप 2,00,000 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो 2,00,000 रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए आपके पास 20,00,000 का कैपिटल होना चाहिए था, पर समझो
कि आप आपके कंपनी में 2 लाख का ही प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन आपका एक्चुअल में कैपिटल जो है वो दिख रहा है 50 लाख का। अरे जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा का कैपिटल दिख रहा है। इसे बोलते हैं ओवर कैपिटलाइजेशन का प्रॉब्लम। और अंडर कैपिटलाइजेशन मतलब क्या, हमें 2 लाख का प्रॉफिट कमाने के लिए 20 लाख के कैपिटल की जरूरत थी, लेकिन हमारे कंपनी में सिर्फ 15 लाख का ही कैपिटल है और 15 लाख पे ही मैं 2 लाख कमा रहा हूं, क्या जबरदस्त है। तो ये भी प्रॉब्लमेटिक एक्चुअली होता है, ये अंडर कैपिटलाइजेशन का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसके बारे में आप ये बस एक बार बाद में पढ़ लेंगे अपने आप, कॉजेस इफेक्ट्स रेमेडीज एक बार खुद एक बार रीड करेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए। सो यहां पे आपका जो है चैप्टर नंबर 5 का भी पूरा का पूरा रिवीजन खत्म होता है। ठीक है, सो गाइस आई होप कि आपको आज के हमारे इस सेशन में आया होगा मजा। आप जरूर मुझे फॉलो करें अकेडमी ऐप पे, हमारे कम्युनिटी ऐप को जरूर ज्वाइन करें, इस पे अपडेट्स आते हैं हमारे क्लासेस के। एंड जितने भी ये फ्री सेशन से इनके मैं लिंक्स अपलोड कर दूंगा bit.ly/mvsunacademy, ये मेरा लेक्चर ट्रैकर की लिंक है फ्री लेक्चर्स के। एंड अनअकैडमी में कोई भी सब्सक्रिप्शन के लिए, चाहे अनअकैडमी प्लस हो या आइकॉनिक हो, आप MV सर कोड यूज कर सकते हैं, तो जो भी मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट्स होंगे, ऑफर्स होंगे, वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस, जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड कमेंट करके बताना कि आपको मुझसे पढ़ के कैसा लगता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।